स्वागत है आप सभी का डाउटनेट पर। कैसे हो प्यारे बच्चों? हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन की, और आप बोलेंगे सर आपने हमको धोखा दे दिया, आपने तो बोला था खड़े होकर पढ़ाएंगे। बेटा मैं खड़े होकर है ना एक लेक्चर बनाकर आया था, लेकिन कुछ कारणवश जो मैंने लेक्चर बनाया ना वो लाइट चली गई और वो पूरे मेरे एक घंटे की मेहनत पूरी वेस्ट चली गई है। मेरे को बड़ा दुख हो रहा है, मतलब मैंने इतनी शिद्दत से वो लेक्चर बनाया था ना खड़े होकर जो बोर्ड होता है ना उस पे, लेकिन लाइट चली गई इस वजह से पूरे एक घंटे की सारी मेहनत जो थी, सारी की सारी जो चीजें जो शिद्दत से समझाई थी क्योंकि इतने दिनों बाद खड़े होकर पढ़ाया था ना, सारी वेस्ट चली गई है। फिर अब वापस से मेरे को यहाँ पर इस तरीके से आकर पढ़ाना पड़ रहा है। देखिए मेरे को भी अच्छा नहीं लगता इस तरीके से पढ़ाना, खड़े होकर जो फीलिंग आती है वो अलग ही होती है, लेकिन अब क्या करें है ना, समस्या है तो उसका कुछ समाधान तो निकालना पड़ेगा। अब यही समाधान है कि सिर्फ आज आज के लिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आज आज के लिए है ना, ठीक है, अपडेट आपको मिल जाएगी कब से हम लोग खड़े होकर पढ़ाएंगे। जल्दी मैक्सिमम 1 से 2 दिन, इससे ज्यादा नहीं, मैं खड़े होकर आपके पास लेक्चर आ जाएंगे, ठीक है। सो बेटा हम यहाँ पर बात कर रहे थे पुष्पी पादपों की लैंगिक जनन की, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लघु बीजाणु धानी, लघु बीजाणु जनन ये पढ़ने वाले हैं, और लास्ट में क्या आएगा बेटा जी, क्विज आएगा। देखिए आप में से कितने बच्चों को याद आ रहा है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन का मतलब क्या था? हम बात कर रहे थे यहाँ पर लैंगिक जनन किसमें, पुष्पीय पादप। पुष्पीय पादप का मतलब क्या था याद करो, आइकलर एक वैज्ञानिक था जिसने समस्त पादपों को 2 श्रेणी में बांटा था, कौन कौन सा, क्रिप्टोगेमस और फिनेरोगेमस बांटा था ना, यस सर, क्रिप्टोगेमस था और फिनेरोगेमस था। सर क्रिप्टोगेमस के अंदर कौन थे, बीज नहीं थे, फिनेरोगेमस में बीज थे, यस सर, जिनमें बीज नहीं थे, जिनमें बीज नहीं थे क्रिप्टोगेमस, उनको हमने 3 भागों में बांटा था, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट याद आ रहा है, और जिनमें बीज थे फिनेरोगेमस उनको हमने 2 भागों में बांटा था, कौन कौन सा, एक हमारा जिम्नोस्पर्म और एक एंजियोस्पर्म। पर्टिकुलरली एंजियोस्पर्म को ही, एंजियोस्पर्म जो होते हैं उन्हीं एंजियोस्पर्म को हम क्या बोलते हैं, पुष्पी पादप बोलते हैं, सिंपल सी बात थी। तो अब हम बात कर रहे हैं किसकी, पुष्पी पादपों की। पुष्पी पादपों में क्या देखने वाले हैं, लैंगिक जनन देखने वाले हैं, ठीक है सर। अब पुष्पी पादपों में अगर हम लैंगिक जनन की बात करने वाले हैं तो ध्यान से सुनिएगा, हमने पुष्प की संरचना देखी थी, मैंने आपको बता दी थी, एक बार मैं आपको सारी चीजें रिवाइज करा देता हूँ। पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह था, कितने बच्चों को याद आ रहा है पुष्प कैसा था, एक रूपांतरित प्ररोह था, कितने बच्चों को याद आ रहा है, यस सर याद आ रहा है, जिसमें कहीं ना कहीं ये वाला जो भाग जो था, कौन सा, ये वाला भाग जो था, ये तने के रूपांतरण थे, कौन सा, ये वाला और ये वाला, ये कौन था आपका, सर ये पुष्पासन था, मैंने कहा हाँ जी, और ये कौन था, ये पुष्प व्रंत था, मैंने कहा हाँ जी, सर ये तने से बने थे, मैंने कहा हाँ जी, और बाकी जो जितने भी 4 भाग थे कौन कौन सा, बाह्य दलपुंज, ये बाह्य दलपुंज किससे बना हुआ है, सर बाह्य दल से, मैंने कहा बहुत ही बढ़िया, उसी प्रकार दलपुंज, ये दलपुंज किससे बना हुआ था, सर दल से बना हुआ था, मैंने कहा बहुत ही बढ़िया। फिर मैंने बोला पुमंग, ये किससे बना हुआ है, सर ये पुंकेसर से बना हुआ है, और पुंकेसर किससे बने हुए थे, पराग कोश और तंतु से बने हुए थे, पुतंतु भी बोल देते इसको कई बार। फिर हमने बात करी जायांग की, जायांग किससे बना होता है, स्त्री केसर से, और स्त्री केसर जो होता है वो किससे बना होता है, सर वर्तिकाग्र और अंडाशय, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ठीक है, ये चीजें मिलकर क्या बनाती हैं आपकी, ये 4 पुष्प पत्र थे, यानी ये किसके रूपांतरण थे, सर ये पत्ती के रूपांतरण थे, पर्ण के रूपांतरण थे, ये हम लोगों ने बात कर ली थी, सिंपल सी बात कर ली थी। फिर इसके बाद हमने सबसे पहले नर जनन अंग यानी पुमंग की बात करी थी, किसकी, पुमंग जो किससे बना हुआ है, पुंकेसर। लेकिन उससे पहले मैंने आपको कुछ बताया भी था कि एक फलनी बहुफलनी याद आ रहा है, जो जीवन में एक बार कहीं ना कहीं पुष्पन करते हैं, एक फलनी है ना, जो कई बार करते हैं बहुफलनी, एक फलनी ज्यादातर कैसे होते हैं, एक वर्षीय या द्विवर्षीय, उनका जीवन काल 1 वर्ष का होता है या 2 वर्ष का होता है, लेकिन जो बहुफलनी होते हैं वो ज्यादातर कैसे होते हैं, बहुवर्षीय होते हैं। लेकिन अपवाद स्वरूप क्या बताया था, बांस जो है तो एक फलनी लेकिन है बहुत बहुवर्षीय है ना, ये हमने बताया था। फिर उसके बाद मैंने आपको बात बताई थी किसकी, पुंकेसर की, पुंकेसर यानी लघु बीजाणु पर्ण। बेटा ये जो पुंकेसर, ये जो लघु बीजाणु पर्ण जो होता है, मैंने आपको बताया था ये सब 2 भागों से बना होता है, कौन कौन सा, सर एक है पराग कोश, एक को हम क्या बोलते हैं, पराग कोश, और एक क्या था, तंतु था, मैंने कहा बहुत ही बढ़िया, सिंपल सी बात थी। अब
ये जो परागकोश था ये दो पालियों में बना हुआ था। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया, दो पालियां थी, इन दो पालियों को जब हमने काटा, इन दो पालियों को जब हमने काटा तो हमें कुछ ऐसी संरचना दिखाई दी। यस सर, देखो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम देख रहे हैं। जब मैंने एक ब्लेड लिया, ब्लेड से मैंने इसको काटा, तो काटने के बाद मेरे को ये ऐसी दिख रही है, ठीक है सर। फिर जब हमने इसको और गौर से देखा, माइक्रोस्कोप में और डिटेल में देखा, तो ये हमें कुछ ऐसा दिख रहा था। ठीक है, ये क्या था? ये क्या था बेटा? आप अच्छे तरीके से जानते हैं, एक पाली में दो किनारे हैं। क्या बोला हमने? एक पाली जो होती है उसमें कितने किनारे हैं? सर दो किनारे हैं, एक पाली में दो किनारे थे। याद आ रहा है? ये क्या थी सर? एक पाली। ये भी क्या थी? एक पाली। और एक पाली में कितने किनारे हैं? सर दो किनारे हैं। तो परागकोश जो था ये कैसी संरचना थी? सर द्विपालित संरचना थी, दो पालियां मिल रही थी और प्रत्येक पाली में कितने किनारे थे? चार किनारे थे, द्विपालित संरचना थी। ठीक है, और एक पाली में क्या बोला हमने? एक पाली में कितने कोष्ठक थे? याद करो, एक पाली जो थी उसमें दो किनारे थे। याद आ रहा है? दो किनारे, दो कोष्ठक थे। ठीक है सर, तो ये जो एक पाली में दो किनारे हैं और दो पाली में कितने हो जाएंगे? चार किनारे हो जाएंगे। प्रत्येक किनारा जो था, प्रत्येक किनारा, प्रत्येक कोष्ठक जो था, आपने उसको क्या नाम दिया था? याद करो सर, लघु बीजाणु धानी। लघु बीजाणु धानी नाम दिया था, याद करिए। और लघु बीजाणु धानी जो होती हैं, लघु बीजाणु धानी जो है, टोटल कितनी है? चार लघु बीजाणु धानी। एक ये लघु बीजाणु धानी, एक ये और एक ये। टोटल कितनी लघु बीजाणु धानी है? सर चार लघु बीजाणु धानी है। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया। अब हमने प्रत्येक लघु बीजाणु धानी की संरचना को देखने से पहले हमने बोला कि भैया ये जो चार कॉर्नर हैं, चार किनारे हैं, इनकी ये जो लघु बीजाणु धानी जो आपको दिखाई दे रही है, इन लघु बीजाणु धानी को जरा देखना, एक कॉमन परत। क्या बोला हमने? एक कॉमन परत जो थी, कॉमन परत का मतलब एक समान परत जो है वो घेरे हुए थी। याद करिए, लाल रंग की जो मैं दिखा रहा हूं, ये लघु बीजाणु धानी के ऊपर एक लाल रंग की स्तर, इसके ऊपर लाल रंग की स्तर, इसके ऊपर लाल रंग की स्तर, यानी एक स्तर जो थी वो चारों लघु बीजाणु धानी के अंदर क्या थी? कॉमन थी, समान थी। उसको हमने क्या बोला था? याद करिए सर, बाह्य त्वचा। बोला था कि नहीं बोला था? यस सर, बाह्य त्वचा, है ना। अब हमने बात करी थी लघु बीजाणु धानी की संरचना के बारे में, लेकिन उससे पहले मैंने आपको इसका क्या बताया था? पूरा का पूरा विकास बताया था। क्या बोला था? इधर देखिएगा, मैंने आपको बताया था दोस्त, यहां पर इसमें, इस कंडीशन में मैंने बोला था कि अगर ये लघु बीजाणु धानी है तो इसमें कौन सी स्तर थी? सर ये बाह्य त्वचा थी। मैंने कहा हाँ जी बाह्य त्वचा है ये, और बाह्य त्वचा के अंदर यहाँ पर कोशिकाएं मिल रही थी। मैंने कहा हाँ जी बहुत सारी कोशिकाएं मिल रही है, इधर भी बहुत सारी कोशिकाएं मिल रही है। इनमें से एक कोशिका, ध्यान से सुनना जिनको पिछला लेक्चर समझ में नहीं आया था, इनमें से एक कोशिका जो बाकी कोशिकाओं से आकार में थोड़ी सी बड़ी थी, याद करिए यहाँ पर कौन था? योजी था। याद करो योजी, योजी याद आ रहा है जो दो पालियों को चोट रहा था। मैंने बोला था यहाँ पर एक कोशिका जो बड़ी सी कोशिका जो थी, एक बड़ी सी कोशिका थी ठीक है, इस बड़ी सी कोशिका का नाम क्या था? आर्किस्पोरियल कोशिका। कितने बच्चों को याद आ रहा है? यस सर, ये कौन थी? आर्किस्पोरियल कोशिका। यस सर, इसको हमने आर्किस्पोरियल कोशिका बोला था। और ये जो आर्किस्पोरियल कोशिका जो थी, इसने क्या किया था? सर इसने आर्किस्पोरियल कोशिका ने विभाजन किया था। मैंने कहा ठीक है, ये आर्किस्पोरियल कोशिका ने, अच्छा आर्किस्पोरियल कोशिका का एक और नाम होता है, याद रखना बेटा, आर्किस्पोरियल कोशिका को हम प्रसु, ये मैंने आपको नहीं बताया था, प्रसु कोशिका भी बोलते हैं, याद रखना। क्या नाम देते हैं? प्रसु कोशिका भी बोलते हैं। किसको? आर्किस्पोरियल कोशिका को। ठीक है, आप थोड़ा सा फील कर पा रहे होंगे कि मैं थोड़ा सा, मतलब एक होता है ना यार,
इतनी मेहनत करी, पूरा 1 घंटा इतने शिद्दत से बनाया था मैंने यार। आपको फील नहीं हो रहा कि मैं थोड़ा सा उदास हूँ? लग रहा है? यस, मैं उदास हूँ। मैं आपके साथ ही तो शेयर कर सकता हूँ दोस्त, नहीं कर सकता भाई। एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में यही तो होता है कि मैं भी अपने दुख जो है उनको शेयर कर सकता हूँ आपके साथ। मेरे को बड़ा दुख हो रहा है यार, बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। पूरा 1 घंटे तक मैंने ये वीडियो बनाई थी, इस मतलब लेक्चर 2 जो है इसकी, वो सारी वेस्ट चली गई है। मैं बहुत दुख हो रहा है, बहुत गुस्सा भी आ रहा है। गुस्सा कसम से पकड़ के कूट डालूं, इतना गुस्सा आ रहा है। चलिए, तो यार की स्पोरियल कोशिका ने विभाजन किया था और क्या बनाई थी सर? 2 कोशिकाएं बनाई थी, जिसमें एक परिधि की तरफ थी जिसका नाम था क्या? परिधीय कोशिका। क्या बोलते हैं? परिधीय कोशिका, या इसको हम भित्तीय कोशिका भी बोलते हैं। परिधीय कोशिका या भित्तीय कोशिका बोलते हैं, ठीक है। और एक होती है अंदर की तरफ, ये वाली जिसको मैं टिक कर रहा हूं, ठीक है। इसको हमने क्या बोला था? बीजाणु जन कोशिका, बीजाणु जन कोशिका, बीजाणु जन कोशिका। तो 2 प्रकार की कोशिका थी, एक बीजाणु जन कोशिका और एक परिधीय या भित्तीय कोशिका। मैंने आपको परिधीय बोला था, भित्तीय नाम नहीं बताया था, तो याद रखना भित्तीय भी बोला जाता है ना। इंग्लिश में भी मैंने आपको बता दिया था आर्किस्पोरियल को आर्किस्पोरियल ही बोला जाता है, भित्तीय कोशिका को पेराइटल बोला जाता है, बता दिया था। और बीजाणु जन को हम स्पोरोजिनस सेल बोलते हैं, स्पोरोजिनस सेल बोलते हैं, ठीक है सर। अब ये जो परिधीय कोशिका जो थी, पेराइटल कोशिका जो थी, भित्तीय कोशिका जो थी, ये लगातार विभाजन करती है। यस सर, ये लगातार क्या करेगी? विभाजन करेगी। मैंने कहा ठीक है। और ये जब लगातार विभाजन करेगी तो दिमाग लगाइए, कहीं ना कहीं ये लगातार विभाजन करती जा रही है, ये लगातार विभाजन करती जा रही है, लगातार विभाजन करती जा रही है, तो कोशिकाओं की संख्या नहीं बढ़ेगी? यस सर, कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। कोशिकाओं की संख्या जब बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो वो सारी की सारी कोशिकाएं जो हैं वो 3 स्तर में बढ़ती जा रही हैं, 3 स्तरों में बट गई हैं। अब वो कौन कौन सी स्तर थी ये आप ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको बताऊंगा वो कौन कौन सी स्तरें हैं। ये हमारी 3 स्तरों में बट गई थी, याद आ रहा है? वो कौन कौन सी 3 स्तरें थी सर? सबसे परिधीय कोशिका ने विभाजन करके जो 3 स्तर बताई थी, बनाई थी, उसमें से एक थी अंतस्थीसियम, अंतस्थीसियम, अंतस्थीसियम के बाद जो बनी थी वो कौन सी बनी थी बेटा जी? आपकी मध्य स्तर। और मध्य स्तर के बाद जो बनी थी वो कौन सी थी? हमारी टैपिटम, टैपिटम। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की आपकी, 3 आपकी क्या बनी थी? स्तरें बन गई थी, जिसने बनाई थी इस परिधीय कोशिका के विभाजन से। और अंदर क्या बची हुई थी सर? ये बीजाणु जन, ये वाली जो कोशिका थी, ये वाली, इसको हम लाल रंग से दिखा देते हैं। ये वाली जो बीजाणु जन कोशिका जो थी, नहीं लाल नहीं, लाल तो ऑलरेडी दिख रही है, हरे हरे भी नहीं, हरा भी नहीं, पीले रंग से दिखा देते। चलो, ये जो हमारी बीजाणु जन कोशिका पीले रंग से जिसको हम दिखा रहे हैं, ये वाली, ये बीजाणु जन कोशिका ने विभाजन किया और ऊतक बनाया था। कौन सा? बीजाणु जन ऊतक, और ऊतक बनाया था। कौन सा? बीजाणु जन ऊतक, जो काला काला सा हम दिखा देते हैं। चलो इसको काली कर देते हैं ना यार, ठीक है, काला पीला कर देते हैं, ठीक है, ठीक है, काला पीला मिक्स, सिर्फ समझाने के लिए। क्या बना दिया है? बीजाणु जन ऊतक बना दिया है। किसने बेटा? ये हमारी बीजाणु जन कोशिकाओं ने लगातार विभाजन किया और क्या बना दिया? बीजाणु जन ऊतक बना दिया था। यहां तक मैंने आपको पिछले
लेक्चर में समझा दिया था यहाँ तक। तो आज मैंने 15 मिनट में केवल और केवल चीजों को रिवाइज कराया है ताकि आप भूल ना जाए, ठीक है। हिसाब से मैं चाहता तो मैं डायरेक्टली आपको पढ़ाना स्टार्ट कर देता, लेकिन रिवीजन बहुत जरूरी है ना, रिवीजन बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए सर, अब ये बीजाणु जन ऊतक जो है, ये बीजाणु जन ऊतक जो है ये अंदर बन चुका है। मैंने कहा हाँ दोस्त, ये बीजाणु जन ऊतक है, ये हमारा बीजाणु जन ऊतक है, ठीक है, ये बन चुका है। हाँ सर, उसके बाद टैपिटम है, उसके बाद आपकी मध्यस्तर है, फिर अंतस्थीसियम है, और फिर बाह्य त्वचा है, ठीक है। क्लियर है यहां तक की बात, यहां तक हमने पढ़ लिया। अब आगे क्या होएगा दोस्त, आगे अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, आइए ध्यान से देखिएगा। अब मैं आपको सबसे पहले ये बीजाणु जन ऊतक में क्या होने वाला है ये बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले ये जो स्तर है इनका कार्य भी तो बताना पड़ेगा ना। हाँ सर, तो लघु बीजाणु की धानी की स्तरों का कार्य बताऊंगा, इन स्तरों का क्या क्या कार्य है, आइए फटाफट कार्य देखते हैं। सबसे पहले बेटा जी है हमारा कौन, ध्यान से सुनना, सबसे पहली जो चीज जो आ रही है लघु बीजाणु धानी की जो स्तर है उनका कार्य हम देखने वाले हैं। सबसे पहले कौन आ रहा है भैया, हमारा अधिचर्म। अच्छा, अधिचर्म को हम क्या बोलते हैं, बाह्य त्वचा बोलते हैं। अधिचर्म को हम क्या बोलते हैं, बाह्य त्वचा बोलते हैं। एपिडर्मिस बोला था, क्या बोला था, एपिडर्मिस, ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बेटा। अब जरा सोचिए सबसे बाहर वाली स्तर है या नहीं है, पूरा फिर से बनाकर दिखाऊं, ये देख, ये पूरा एक ही बनाऊंगा, एक लघु बीजाणु धानी बनाऊंगा, ये देख। सबसे पहले बेटा ये हमारी है बाह्य त्वचा, ठीक है, जो कॉमन है सभी लघु बीजाणु धानियों में। ये सबसे पहले कौन है बेटा, ये हमारी बाह्य त्वचा है, ठीक है। कितने स्तरीय दिखाई दे रही है तुमको सर, एक स्तरीय दिखाई दे रही है, याद रखना एक स्तर की होती है ये। कितनी स्तर की होती है, एक स्तर की होती है। अब आप मुझे बताइए क्या ये सबसे बाहर नहीं है, हाँ सर, और कॉमन भी है, सभी लघु बीजाणु धानियों के अंदर कॉमन है, हाँ बिल्कुल है। तो इसका कार्य क्या होएगा, सबसे बाहर अगर कोई चीज होती है तो क्या कार्य करती है सर, अंदर वाली चीजों को प्रोटेक्ट करती है, तो ये क्या प्रदान करेगी, ये सुरक्षा प्रदान करेगी, सुरक्षा प्रदान करेगी, क्या प्रदान करेगी, सुरक्षा प्रदान करेगी। बहुत सिंपल सा था, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आ जाते हैं दूसरे पर। अब मैं दूसरा और तीसरा एक साथ लिख रहा हूं, बी और सी दोनों एक साथ लिख रहा हूं, किसको बेटा, दूसरे और तीसरे को मैं एक साथ लिखता हूं, ठीक है। कौन कौन सा, एक तो अंतस्थीसियम, कौन, एक तो अंतस्थीसियम, और दूसरा कौन था, मध्यस्तर था, एक है अंतस्थीसियम और एक है मध्यस्तर, ठीक है। अब इन दोनों का कार्य समान है जिसको मैं एक साथ लिखूंगा, लेकिन लिखने से पहले मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहूंगा, ध्यान से देखना, जो चीज मैं तुमको बताने वाला हूं जरा ध्यान से देखना। तुमको एक पाली में दरार दिख रही है, क्या सर दोस्त, सिर्फ और सिर्फ इतने से भाग को देख, इतने से भाग को देख, सिर्फ इतने से भाग को देख, दिख रहा, क्या तुमको एक दरार नहीं दिख रही है, हाँ सर, सिर्फ इस पाली को देख, बातें करेगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा, बातें करेगा कुछ समझ में नहीं आएगा, फोकस कर यहां पर पढ़ाई पर। क्या तुमको इस पाली में एक दरार दिख रही है अंदर की तरफ, हाँ, क्या तुमको इस पाली में भी दरार दिख रही है अंदर की तरफ, हाँ। ये जो दरार जो होती है इसका नाम होता है स्टोमियम, क्या बोलते हैं, स्टोमियम, क्या नाम देते हैं, स्टोमियम, ठीक है सर। अब सर ये स्टोमियम क्या करती है, ये स्टोमियम जो है ये क्या करती है, आइएगा ध्यान से सुनिएगा, स्टोमियम क्या करती है, देखिएगा ध्यान से सुनना, देख ध्यान से सुनना, मेरे को ध्यान से गौर से देख, क्या तुमको मेरी कितनी उंगली दिखाई दे रही है, जरा ध्यान से देखना, तुम्हें मेरी कितनी उंगली दिखाई दे रही है, जल्दी से मुझे बताओ, तुम्हें मेरी कितनी उंगली दिखाई दे रही है, एक ना, लेकिन ये एक नहीं है, ये दो है, कितनी दिखाई दे रही है सर, एक दिखाई दे रही थी, ये देख काले पैर अच्छे से दिखाई देगी, कितनी दिखाई दे रही है, नहीं सर हमें दो दिखाई दे रही है, चल बे एक ही दिखाई दे रही है सामने से, एक ही तो दिखाई दे रही है, ये देख प्रॉपरली कितनी दिखाई दे रही है, एक, ध्यान से देख, एक,
लेकिन ये है कितनी, दो हैं, एक पीछे छुप गई है ना। हाँ सर, ठीक है। अब देखिए, ये एक कमरा है जिसके दो किनारे हैं, एक कमरा जिसके दो किनारे हैं, ऐसे एक और कमरा जिसके दो किनारे हैं। अब मुझे ये बता, अब सामने से देख, सामने से देख, सामने से देखना, सामने से तुम्हें कितने कमरे दिख रहे हैं? सामने से एक दिख रहा है, लेकिन उसमें टोटल चार किनारे नहीं है। बोलो, सामने से देखो, सामने से देखो, तुम्हें कितने कमरे दिखाई दे रहे? सर एक ये, लेकिन एक कमरे में टोटल, इसमें टोटल दो किनारे हैं, ऐसे। ठीक है, समझ में आ गया? अब देख, सामने से देख, एक पाली है जिसमें दो किनारे, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, अपनी उंगलियों के साथ कर। ये एक पाली, पूरी की पूरी एक पाली जिसमें दो किनारे हैं। हाँ सर, ऐसे ही एक पाली है जिसमें दो किनारे हैं। हाँ सर, अब जरा सोच, एक पाली के अंदर दो किनारों के बीच में यहां पर दरार है, दरार, यहां पर एक दरार है। हाँ सर, ये तो सर आपने उंगलियों से बता दिया। मैंने कहा हाँ, बस चीजों को फील ही तो करना है, प्रैक्टिकली ले, मैंने प्रैक्टिकल करा दिया। तुमको ये देख, ये ले, ये पराग कोश है, ये पराग कोश है जिसमें टोटल चार लघु बीजाणु धानियां तुम्हें दिखाई दे रही है। हाँ, दो ऊपर नीचे जो लघु बीजाणु धानी है, इनके बीच में दरार देख दिख रही है। हाँ सर, सेम टू सेम दरार यहां पर मिल रही है सर। ये देख लो, ये देखो, ये पाली, इसके अंदर ये लघु बीजाणु धानी, ये लघु बीजाणु धानी, और अंदर की तरफ एक दरार है। दो लघु बीजाणु धानी और उनके बीच में क्या है सर? दरार है। उस दरार को हमने क्या बोला? स्टोमियम। ठीक है, अब इमेजिन कर, अगर ये दरार बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, क्या हुआ? ये दरार जो है अंदर, ये दरार जो थी, ये दरार जो है अंदर खिसकती जाए, 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 खिसकते 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 दोनों उल्टा क्या हो जाए? जुड़ जाए, ये दरारें जुड़ जाए। अब जरा सोच, यहां से दरार जो पड़ रही अंदर जाती जाए, जाती जाए, जाती जाए, जाती जाए, ऐसे यहां से जो दीवार, यहां से जो दरार पड़ेगी वो अंदर जाती जाए, जाती जाए, तो जरा सोच, ये संरचना खुलनी जाएगी, खुल जाएगी, खुल जाएगी ना, खुल जाएगी ना, ये संरचना कैसी हो जाएगी? खुलनी जाएगी। हाँ सर, खुल जाएगी। अब जब ये संरचना खुल जाएगी तो हम क्या बोलेंगे कि भैया ये पराग कोश फट गया। क्या बोलेंगे? सर ये पराग कोश फट गया, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? दिमाग लगाओ, क्या हो जाएगा? सर ये पराग कोश फट जाएगा। हाँ दोस्त, ये पराग कोश फट जाएगा, बिल्कुल फट जाएगा। और पराग कोश अगर फटता है तो उसको हम बोलते हैं पराग कोश का स्फुटन, पराग कोश का स्फुटन, पराग कोश का स्फुटन बोलते हैं। अब दिमाग लगाओ, पराग कोश का अगर स्फुटन होगा, यानी पराग कोश अगर फटेगा, स्फुटन में फूटन वर्ड आ रहा है, फूटन का मतलब क्या होता है? फटना। तो पराग कोश फट गया। अब इमेजिन करो, अगर पराग कोश फट गया, पराग कोश का स्फुटन हो गया, तो पराग कोश के अंदर जो चीज है वो बाहर नहीं आ जाएगी। हाँ सर, आ जाएगी। क्या होता है पराग कोश के अंदर दोस्त? बेटा इसी पराग कोश के अंदर ना, यहाँ पर ये जो बीजाणु जन ऊतक है ना, यही बीजाणु जन ऊतक में कहीं ना कहीं आगे चलकर पराग कण बनेंगे। क्या बनेंगे? पराग कण बनेंगे। तो अंदर जो पराग कण होंगे, जब ये दरार बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, इमेजिन करिए दरार अंदर बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, इधर से भी, इधर से भी, इधर से, बढ़ते 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 बढ़ते, दिमाग लगाइए क्या ये संरचना, दिमाग लगाइए क्या ये संरचना, सोचिए। मैं तुमको प्रॉपरली दरार दिखा रहा हूं, देखो प्रॉपरली दरार बढ़ गई है कि नहीं बढ़ गई? यस सर, ये दरार अंदर की तरफ पूरी की पूरी इस तरीके से बढ़ गई थी, और दरार के बढ़ने से ये फट गया। अब जब ये फट जाएगा तो अंदर जो ये यहां पर जो पराग कण बनेंगे ना, ये सारे के सारे क्या आ जाएंगे? बाहर आ जाएंगे। सारे के सारे पराकण कहाँ आ जाएंगे? बाहर आ जाएंगे। और पराकण अगर बाहर आ गए, पराकण अगर बाहर आ गए, तो हम क्या बोलेंगे कि पराग कोश फट गया, पराकण बाहर आ गए हैं। तो इस प्रक्रिया को हमने क्या बोला? पराग कोश का स्फुटन बोल दिया है। सिंपल, क्या कहला रहा है? पराग कोश का स्फुटन। सर इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सॉरी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेहिसेंस ऑफ एंथर।
डेहिसेंस ऑफ एंथर बोला जाता है, याद रखना। क्या बोला जाता है? डेहिसेंस ऑफ एंथर बोला जाता है, डेहिसेंस ऑफ एंथर। तो बात आ रही थी ये दो स्तरें जो है ना, ये दो स्तर ये क्या कराती हैं, ये पराग कोश का स्फुटन कराती है, डेहिसेंस कराती है। कौन बेटा? ये दोनों स्तर, अंतस्थीसियम और मध्य स्तर। ठीक है, अब सर ये कैसे कराएंगी आप पूछेंगे सर। ठीक है, इसका तो पता लगता है, ये सबसे बाहर मिल रही है तो हेल्प करेगी, प्रोटेक्ट करेगी, सुरक्षा देगी, प्रोटेक्शन देगी। किसको? जो भी अंदर चीजें मिल रही हैं भाई। बॉर्डर पर सैनिक क्या करते हैं? एक देश की सुरक्षा करते हैं, जो भी अंदर देश के अंदर लोग रह रहे हैं उनकी, है ना। तो जो बाहर किनारे पर जो स्तर होगी, वो जो अंदरूनी चीजें हैं उनकी सुरक्षा नहीं कर रही, यहाँ कर रही है। तो ये तो सिंपल से समझ में आ गया सर। ये दोनों जो हैं ये हेल्प कर रही हैं पराग कोश के स्फुटन में, सहायता करती हैं। कुछ बच्चे होंगे जो बोलेंगे सर पराग कोश का स्फुटन क्या होता है, मैंने आपको बता दिया पराग कोश फट रहा है। अब वो पराग कोश जो फट रहा है उसमें ये सहायता कैसे कर रही है? अब आपका ये भी प्रश्न होएगा, मेरे को पता है तुम्हारे प्रश्न क्या होंगे, है ना। अब इमेजिन कर ये वाला डायग्राम, देख आराम से तसल्ली से देख। इस डायग्राम में तुमको अंतस्त्वचा या अंतस्थीसियम और मध्य स्तर दिखाई दे रही है। देखो ये अंतस्थीसियम है, ये वाली और ये वाला भाग जो है ये मध्य स्तर है, दिख रहा है? चलो नीला नीला दिखा देता हूं आपको, मध्य स्तर। ये मध्य स्तर है और लाल वाली जो थी वो अंतस्थीसियम। ठीक है, अब इमेजिन करिए नीली वाली और अंदर आगे आ जाए, सिकुड़ जाए, इसकी कोशिकाएं सिकुड़ती जाए, तो लाल वाली भी सिकुड़कर अंदर की तरफ आएंगी। अब लाल वाली और नीली वाली जब सिकुड़ सिकुड़ कर अंदर की तरफ आएंगी तो ये दरार अंदर नहीं आती जाएगी। हाँ, तो याद रखना एक पराग कोश जब परिपक्व हो जाता है, एक पराग कोश जब मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है पराग कोश, तो उसकी ये दोनों स्तर जो होती हैं ये अंदर की तरफ मुड़ने लग जाती हैं। कौन? ये अंतस्थीसियम और मध्य स्तर। और जब ये सिकुड़ने लग जाती है, सिकुड़ने से, कोशिकाएं सिकुड़ने से ये स्तर अंदर मुड़ने लग जाएंगी, तो इन स्तरों के मुड़ने से जो स्टोमियम थी, जो दरार थी छोटी सी, वो दरार आगे बढ़ने लग जाती है। देख वापिस से देख, ये अंतस्थीसियम और मध्य परत या मध्य स्तर जो थी, इनकी कोशिकाएं जब सिकुड़ने लग जाएंगी तो ये जो दरार थी ना जिसका नाम था स्टोमियम, ये दरार जो थी ना स्टोमियम, ये अंदर खिसकने लग जाएगी। और जब ये अंदर खिसकेगी, खिसकते 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 पराग कोश फट जाएगा। तो बेटा सीधा सीधा है, ये दोनों स्तरें पराग कोश के स्फुटन में सहायता करती है। डंडना डंडन, क्लियर है? अब है जी बहुत 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 इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्तर, सबसे इंपॉर्टेंट स्तर, इसका नाम है कौन सी भैया? ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी? टैपिटम। ठीक है, सो बेटा अब बारी है किसकी? टैपिटम की, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्तर है। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहली चीज जो आपको टैपिटम में याद रखनी है, ब्रैकेट में लिख रहा हूं, बहु केंद्रकीय। क्या बोला हमने? बहु केंद्रकीय कोशिकाएं होती हैं। क्या बोला हमने? टैपिटम की जो कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती है? बहु केंद्रकीय। क्या सर? आइए मैं तुमको बनाकर दिखाता हूं। देखो ये तो हो गई भैया हमारी कौन? बाह्य त्वचा। सिंपल, कौन है ये? बाह्य त्वचा, जिसमें हर कोशिका में एक एक केंद्रक था। ठीक है सर, ओके सर, सिंपल सा था। बाह्य त्वचा के नीचे अगली स्तर कौन सी है? सर बाह्य त्वचा के नीचे अगली जो स्तर है अंतस्थीसियम है। प्रॉपरली बनाकर दिखा रहा हूं, जो बोर्ड वाले हैं वो भी प्रॉपरली अपने इनको बनाएंगे। ये भी कैसी है? एकल केंद्र की, यानी हर कोशिका में एक केंद्रक है और ये भी एकल स्तरीय है। कौन भैया? ये है हमारी कौन? अंतस्थीसियम। कौन है ये? अंतस्थीसियम।
फिर अंतस्थीसियम के अंदर। मध्य स्तर कौन? मध्य स्तर। अब मध्य स्तर में मैंने आपको एक चीज नहीं बताई, अगर याद रखना चाहते तो रख लीजिएगा। बाह्य त्वचा में स्तर की संख्या कितनी है? एक। कितनी लेयर है? लेयर कितनी दिखाई दे रही है तुमको? बाह्य त्वचा कितने स्तर दिख रही है? एक दिख रही है ना। अंतस्थीसियम की भी कितनी दिख रही है? एक दिख रही है। लेकिन ये जो मध्य स्तर जो होती है ना, या तो ये एक हो सकती है या ये कितनी दिखाई दे रही है, जल्दी से तुम मुझे बताओ कितनी दिखाई दे रही है? दो दिखाई दे रही है, एक तो ये वाली है, एक ये वाली है ना, दो दिखाई दे रही है। या तो ये दो हो सकती है या ये, कैलकुलेट करो कितनी हो सकती है, सर तीन हो सकती है। तो यानी एक से लेकर तीन हो सकती है इसकी संख्या। यस, तो मध्य स्तर जो होती है वो एक से लेकर तीन स्तरीय हो सकती है। चलो सिंपल सी बात थी, ये मैं आपको बताना भूल गया था, ये चीज याद रखना बेटा, भूल ना जाना। मध्य स्तर जो होती है वो एक से तीन तक हो सकती, ठीक है सर जी? ये भी चीज क्लियर है। अब द मोस्ट, अच्छा इनमें भी केंद्रक कितना मिलेगा इनके अंदर? एक कोशिका में केवल एक ही केंद्रक मिलेगा, एक कोशिका में केवल एक ही केंद्रक मिलेगा, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब बात करते द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्तर, इसका नाम है टैपिटम। ये वाली जो स्तर जो है इसका नाम है टैपिटम। और टैपिटम जो होती है, टैपिटम के अंदर, एक टैपिटम के अंदर बहुत सारे क्या हैं? केंद्रक हैं। एक टैपिटम के अंदर बहुत सारे केंद्रक हैं। तो अब आप मुझे बताएं, जो टैपिटम है वो भी एक स्तरीय है लेकिन बहुकेंद्रकीय है या नहीं है? तो भाई मैंने यहां पर क्या लिखा है कि टैपिटम तुम्हें कैसी दिखाई दे रही है? बहुकेंद्रकीय दिखाई दे रही है। यस सर, बहुकेंद्रकीय दिखाई दे रही है, सिंपल सा था। चल अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके हम कार्य देखने वाले हैं। अब इसका कार्य जो है, जो हमारी एनसीईआरटी में दे रखा है, वो केवल एक दे रखा है। क्या? ये पोषण प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है? पोषण। अब आप बोलेंगे सर किसको पोषण प्रदान करती है, जरा सोच, स्टैपिटम के अंदर कौन होएगा? दिमाग लगा, स्टैपिटम के अंदर कौन था? सोचो सर, बीजाणु जन ऊतक था, नहीं था क्या? दिमाग लगाओ, नहीं बताया कौन है ये बीजाणु जन ऊतक है कि नहीं? हाँ सर, ये हमारा बीजाणु जन ऊतक है। और इस बीजाणु जन ऊतक की कोशिकाओं को ये टैपिटम की कोशिकाएं क्या प्रदान करेंगे? पोषण। लेकिन सर हमारी बुक में तो कुछ और लिखा हुआ है। मैंने कहा रुक जा, अभी बताऊंगा, अभी रुक जा, अभी तेरे को ये क्या दिखाई दे रहा है? सर ये बीजाणु जन ऊतक है। कौन सा ऊतक है? सर ये बीजाणु जन ऊतक है ना। और इस बीजाणु जन ऊतक को ये टैपिटम की कोशिकाएं क्या प्रदान करती हैं? पोषण प्रदान करती है। हाँ, अब ये बीजाणु जन ऊतक आगे जिन जिन संरचनाओं में बदलेगा, यानी यहां पर ये जो कोशिकाएं जिन जिन संरचनाओं में बदलेगी उनको भी टैपिटम पोषण प्रदान करेगी। यानी टैपिटम का मेन काम क्या हो गया कि टैपिटम के अंदर जो जो चीज मिलेगी, जो जो कोशिकाएं मिलेंगी, जो जो ऊतक मिलेगा, लो भैया ये तो ढाबा है। टैपिटम क्या एक तरीके का ढाबा है। ये सारा का सारा क्या है? ढाबा है। ढाबा, जो भी अंदर चीजें, जो भी चीजें मिलेंगी, सारी की सारी कोशिकाओं को टैपिटम की कोशिकाओं द्वारा क्या प्रदान किया जाएगा? मुफ्त में लंगर दिया जाएगा, मुफ्त में पोषण दिया जाएगा, प्रीति भोज दिया जाएगा। किसके द्वारा? टैपिटम के द्वारा, ठीक है। चलो तो मेन काम हमारा टैपिटम का क्या था बेटा जी? पोषण प्रदान करना, ये पहला काम था, ठीक है। इसके अलावा और भी काम होते हैं। जी हाँ, और भी काम है। अब और क्या काम है वो मैं आपको अभी सिर्फ लिख रहा हूं, जो आपको अभी समझ में नहीं आएंगे बेटा। ये टैपिटम निर्माण करती है किसका? याद रखना, ये टैपिटम निर्माण करती है किसका? यूबिश, यूबिश काय का। सर जी किसका निर्माण करती है? यूबिश काय का निर्माण करती है। ये क्या होता है सर जी? मैंने कहा अभी रुक जा, बताऊंगा। ये यूबिश काय दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक होता है प्रोबिश, प्रोबिश्च, प्रोबिश्च। यूबिश्च बना होता है किससे? प्रोबिश्च से और स्पोरोपोलिनिन से, स्पोरो
पॉलेनिन्स है। तो स्पोरोपोलेनिन और प्रोबिष्ट ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, यूबिष्ट बनाते हैं, और यूबिष्ट टैपिटम स्त्रावित करता है। क्या सर, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा, है ना, है ना, कहां से पड़ेगा जब हमने कुछ बताया नहीं अभी। तो हमने भाई देख सिंपल सी बात बोली, देख मैं हूं मान ले टैपिटम की कोशिका हूं मैं, और मैंने दो चीजें निकाली, मैंने अपने अंदर से दो चीजें निकाली, एक का नाम है प्रोबिष और एक का नाम है स्पोरोपोलेनिन, और ये दोनों मिलकर क्या कहला रहे हैं, यूबिष। प्रोबिष और स्पोरोपोलेनिन ये मिलकर, प्रोबिष ध्यान से देख प्रोबिष और स्पोरोपोलेनिन ये दोनों मिलकर क्या कहला रहे हैं, यूबिष कहला रहे। जब इन दोनों को मैं स्त्रावित कर रहा हूं और ये दोनों मिलकर यूबिष कहला रहे, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि टैपिटम ने यूबिष निकाल दिया। हाँ सर, इतना तो चीज हमको समझ में आई है कि टैपिटम ने कोई यूबिष यूबिष निकाला है, और ये यूबिष यूबिष जो है दो चीज से बना हुआ है, प्रोबिष और स्पोरोपोलेनिन। अब ये है क्या, मैंने कहा रुको, ठहरो, तसल्ली रखो, आएगा, समझ में आएगा, सब कुछ समझ में आएगा, लेकिन अभी सिर्फ इतना सा, प्रोबिष और स्पोरोपोलेनिन, इतनी सी बात मेरे को सब बताओ, मैं तुमसे कह ही नहीं रहा हूं भाई, मैं देख सिंपल से तरीके से तुमको चीज बोल रहा हूं कि अभी सिर्फ दिमाग में इतनी सी बात फिट कर कि दो चीजें हैं, ये सफेद सफेद चीज दिख रही है, हाँ सर दिख रही है, इसमें ये सफेद सफेद चीज दिख रही है, हाँ सर ये है प्रोबिष, ठीक है सर, ये काली काली चीज दिख रही है, हाँ सर ये है स्पोरोपोलेनिन, ठीक है सर, ये काली और ये सफेद, ये दोनों मिलकर क्या कहला रहा है, पेन, ठीक है, ये दोनों मिलकर क्या कहला रहा है, यूबिष, और ये मैंने स्त्रावित किया है, ये मैंने स्त्रावित किया है, ठीक है, मैं हूं टैपिटम, और मैंने निकाला, क्या निकाला, ये क्या है, यूबिष, किससे बना हुआ है, प्रोबिष से, स्पोरोपोलेनिन से, अभी सिर्फ इतनी सी बात समझ जाएगा, क्लियर। अभी क्या करते हैं, प्रोबिष होता क्या है, प्रोबिष स्पोरोपोलेनिन क्या होता है, ये करते क्या है, कहां पर मिलता है, मैंने कहा सब्र रख, आएगा, सब कुछ आएगा, अभी सिर्फ इतना सा, ये दूसरा कार्य था किसका, टैपिटम का, क्या स्त्रावित करना, यूबिष स्त्रावित करना, यूबिष किससे बना होता है, प्रोबिष और स्पोरोपोलेनिन से, ठीक है सर, चलो अब आप बोलते हो तो मान लेते हैं क्या, अभी तो समझ में नहीं आया, मैंने कहा आएगा समझ। तीसरा कार्य, टैपिटम का तीसरा कार्य, टैपिटम एक एंजाइम उत्पन्न करती है जिसका नाम है कैलेज एंजाइम उत्पन्न करती है, क्या बोला हमने, कैलेज जो है एक एंजाइम है और वो कैलेज एंजाइम उत्पन्न कर रही है, कौन, टैपिटम, ओके सर जी, चलो अब सर ये कैलेज क्या करता है, मैंने कहा रुक जाओ, सब्र करो, ये भी आएगा, यानी कुल मिलाकर सर दूसरा और तीसरा बिंदु जो है इनका कंसेप्ट आपने अभी नहीं बताया है, बस आपने ये बताया है कि ये दो चीजें जो हैं, यूबिष कोई संरचना है जो दो चीजों से बनी हुई है, ये यूबिष एपिटम निकालता है और एक कैलेज एंजाइम निकालता है, ये क्या करते हैं ये आपने नहीं बताया, मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल नहीं बताया है, कब बताएंगे, आज ही बताऊंगा, थोड़ा सा तसल्ली रख, चलो। तो ये सिंपल सा था किसके बारे में, टैपिटम के बारे में, चलें आगे, कोई तकलीफ, चलें, चलो ये जरूरी याद रखना, टैपिटम कैसी कोशिकाएं हैं, बहुकेंद्रकीय कोशिकाएं होती हैं, कैसी कोशिकाएं होती हैं, बहुकेंद्रकीय कोशिकाएं होती हैं, भूल मत जाना, चलो जी आगे बढ़ते हैं बेटा जी यहां पर, अब नेक्स्ट, अब कुल मिलाकर सर आपने यहां से यहां तक जो चीज पढ़ाई है उसमें हमें क्या क्या समझ में आ गया, एक बार फटाफट देखते हैं, चार स्तर हैं, चारों स्तर में फंक्शन हमने देखे थे, कार्य देखे थे, अधिचर में इसका सिंपल सा मीनिंग है, समझ में आ गया क्या दे रहा है, सुरक्षा प्रोटेक्शन दे रखा है इसको, जो भी अंदरूनी चीजें मिल रही है उन सबको, ठीक है, अंतस्थीसियम और मध्य स्तर ये क्या करती है, जब पराग कोश मैच्योर हो जाता है, पराग कोश परिपक्व हो जाता है तो ये सिकुड़ती है, जिसके सिकुड़ने से कहीं ना कहीं जो स्फुटन की रेखा जो होती है जिसको हमने स्टोमियम बोला था वो अंदर और खिसक जाती है, जिससे परागकोश फट जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिसेंस ऑफ एंथर, परागकोश का स्फुटन, ओके ठीक है, ये दोनों परागकोश के स्फुटन में,
एपिटम के जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे कार्य हैं जिसमें से एक कार्य हमें समझ में आ गया है क्या, ये पोषण प्रदान कर रही है। किसको पोषण प्रदान कर रही है? जो भी टैपिटम के अंदर मिलेगा। टैपिटम के अंदर क्या मिल रहा था? बीजाणुजन ऊतक मिल रहा है, उसको ये क्या प्रदान करेंगी? पोषण प्रदान करेंगी। ठीक है सर। और साथ साथ दो कार्य आपने बता दिए हैं, लेकिन वो दो कार्य अभी हमें समझ में नहीं आए उनके कंसेप्ट। मैंने कहा अब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो बताने से पहले हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो है लघु बीजाणु जनन। क्या टॉपिक पढ़ेंगे? लघु बीजाणु जनन। ठीक है, स्टार्ट करें। आइए, अब सर लघु बीजाणु जनन पढ़ेंगे? मैंने कहा हाँ। देखो, लघु बीजाणु धानी में होने वाला है लघु बीजाणु जनन। क्या बोला हमने? लघु बीजाणु धानी में होने वाला है क्या? लघु बीजाणु जनन होने वाला है। किसमें? लघु बीजाणु धानी में। क्या होने वाला है सर? लघु बीजाणु जनन होने वाला है। क्या होएगा लघु बीजाणु जनन में? आइए ध्यान से सुनिएगा। क्या तुमको ये बीजाणु जन ऊतक दिखाई दे रहा है? ध्यान से देखिए, पूरा का पूरा क्या दिखाई दे रहा है तुमको? सर बीजाणु जन ऊतक दिखाई दे रहा है हमको, ये पूरा का पूरा बीजाणु जन ऊतक था। मैंने कहा ठीक है। अब ये जो बीजाणु जन ऊतक जो है, इस बीजाणु जन ऊतक की कोशिकाएं लगातार क्या करती हैं? विभाजन करती हैं। क्या बोला हमने? ये जो बीजाणु जन ऊतक जो है, इस ऊतक की कोशिकाएं क्या करती हैं? विभाजन करती हैं। ठीक है सर, आइए करा देते हैं विभाजन। अब इधर देखो, एक कोशिका जब विभाजन करती है तो दो कोशिकाएं बना देती हैं, तो जो जनक कोशिका, उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। भाई एक कोशिका ने अपने आप को विभाजित कर लिया, तो जनक कोशिका खत्म, दो पुत्री कोशिका बन जाती है। अब इधर देख, ये कोशिका अगर विभाजन कर देगी तो खत्म हो जाएगी, नई कोशिकाएं बनती जाएंगी। हाँ सर, नई कोशिकाएं बन जाएंगी और ये कोशिकाएं समाप्त हो जाएंगी। ठीक है, ये सारी की सारी कोशिकाएं समाप्त हो जाएंगी और नई कोशिकाएं बन जाएगी। यानी बीजाणु जन ऊतक की जो कोशिकाएं हैं, वो विभाजन कर करके नई कोशिका बनाती हैं। डन। ये बीजाणु जन ऊतक जो था, उसकी कोशिकाएं क्या करेंगी? विभाजन करेंगी और विभाजन करके कुछ विशिष्ट कोशिकाएं बना रही हैं, जिनका नाम है, अब ये जो कोशिकाएं यहां पर बनी हैं, इनका नाम है लघु बीजाणु मात्र कोशिका। अब कई बच्चे कहते हैं सर हमको आप पे विश्वास नहीं है। मैंने कहा देख, ये देख, एनसीईआरटी पे है? हाँ सर, एनसीईआरटी के इस डायग्राम को देख, आराम से देख, तसल्ली से देख। मैं सारी चीजें हटा देता हूं। देख, क्या तेरे को बीजाणु जन ऊतक यहाँ पर वर्ड दिख रहा है? हाँ सर, कहाँ पर था? ये पूरा का पूरा बीजाणु जन ऊतक है। ये जो है, ये पूरा का पूरा क्या है? बीजाणु जन ऊतक है। हाँ सर, ये पूरा का पूरा कौन है? बीजाणु जन ऊतक है। अब ये जो बीजाणु जन ऊतक जो तुमको दिखाई दे रहा है, इस बीजाणु जन ऊतक को जरा देखो और सोचो, ये बीजाणु जन ऊतक में कोशिकाएं हैं? हाँ सर। अब बीजाणु जन ऊतक यहां पर दिख रहा है और इधर देख क्या दिख रहा है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। यानी यहां पर जो बीजाणु जन ऊतक जो है, उसकी कोशिकाओं ने विभाजन करके कुछ विशिष्ट कोशिका बनाई है, जिनका नाम है लघु बीजाणु मात्र कोशिका। तो बीजाणु जन ऊतक जहां पर था, वहां पर जो कोशिकाएं बन चुकी हैं, ये जो बीजाणु जन ऊतक जो था, अब ये बीजाणु जन ऊतक में नई कोशिकाएं बन गई, जिनका नाम है लघु बीजाणु मात्र कोशिका। क्या बोलेंगे? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। ठीक है सर, क्या नाम दिया? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। ओके सर, लो जी, लघु बीजाणु मात्र कोशिका बोल दिया। ठीक है, अब ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका द्विगुणित है। कैसी है? द्विगुणित है। ये जो यहाँ पर बनी है, ये द्विगुणित है। ओके सर, नॉर्मल सा था, नॉर्मल सी बात है भाई साहब। भाई एक सिंपल ऊतक की बात करी, ऊतक ने विभाजन किया, ऊतक की यानी किसे बनाओ? कोशिका ने विभाजन किया। अब जो कोशिकाएं बनी उनको हमने जस्ट एक नाम दिया है, क्या? लघु बीजाणु। भाई ये कोशिका थी, इसने विभाजन किया, विभाजन करके
कोशिका बनाई हुई बीजाणु जनु तक की कोशिका ने विभाजन करके ये कोशिका बनाई है। हमने इसको नया नाम दे दिया, क्या दिया, लघु बीजाणु मात्र कोशिका नाम दिया है, बस इतनी सी बात थी। चलो सर अब आगे, अब इधर देखना, ध्यान से देखना जो मैं चीज अब समझाने वाला हूँ। दोस्त आपने सेल वाला चैप्टर पढ़ लिया है? हाँ सर। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, ये एक पादप कोशिका है, ये एक पादप कोशिका है, क्या दो पादप कोशिका, दोनों द्विगुणित हैं, क्या दो पादप कोशिका एक दूसरे से फ्यूज्ड हो सकती हैं? दिमाग लगाइए, क्या दो पादप कोशिका एक दूसरे से जुड़ सकती है, क्या इनका जीव द्रव्य एक दूसरे से जुड़ सकता है? सोचिए, दिमाग लगाइए जरा, फटाफट फटाफट जल्दी से सोचिए, क्या इनका इनका जीव द्रव्य आपस में जुड़ सकता है, क्या इनको कोई जोड़ने वाली संरचना मिलती है जो इनको जोड़ दे? यस सर। अब वो जो जोड़ने वाली संरचना जो इनको जोड़ देती है उसका नाम होता है क्या, याद करो सर, इंग्लिश में बोलते हैं प्लाज्मो डेस्मेटा, प्लाज्मो डेस्मेटा, और हिंदी में बोलते हैं जीव द्रव्य तंतु। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं प्लाज्मो डेस्मेटा और हिंदी में बोलते हैं जीव द्रव्य तंतु। जीव द्रव्य तंतु प्लाज्मो डेस्मेटा, ये वो संरचना जो दो पादप कोशिकाओं को क्या कर रही थी, जोड़ रही थी। ओके सर, नॉर्मल सी बात है, आराम से समझ में आ गया, कोई तकलीफ नहीं। ठीक है, अब मैं तुमसे बोल रहा हूँ, इधर देख, ये तुम्हें क्या दिखाई दे रही है सर, लघु बीजाणु मात्र कोशिका दिख रही है, देखिए ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका, ये 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 ये, ठीक है सर, और ये जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका यहाँ पर जो दिख रही है ना, क्या ये आपस में कनेक्ट हो सकती है? यस सर, बिल्कुल हो सकती है, देखो हो रही है, हाँ सर हो रही है, बिल्कुल हो रही है। किसके द्वारा सर? प्लाज्मोडेस्मेटा के द्वारा, मैंने कहा। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, अगर प्लाज्मोडेस्मेटा के द्वारा अगर ये आपस में जुड़ रही हैं, किसके द्वारा, प्लाज्मोडेस्मेटा के द्वारा अगर ये आपस में जुड़ रही हैं, मैं तुमसे एक सीधा सीधा प्रश्न पूछता हूँ दोस्त, ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका आगे चलकर कई सारे विभाजनों के परिणाम स्वरूप एक संरचना बनाने वाले जिनका नाम है परागकण। क्या बोला मैंने, ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका जो है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका जो है ये आगे चलकर परागकण बनाने वाली है, परागकण यानी जिनमें युग्मक होंगे, जिनमें युग्मक होंगे। अब तुम खुद सोचो, ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, कौन है ये, लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, और ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका आगे चलकर क्या बनाने वाली है, युग्मक बनाने वाली है, क्या बनाने वाली है, युग्मक बनाने वाली है। तो तुम थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, बुद्धि लगाओ, अगर इस कोशिका का, इस लघु बीजाणु मात्र कोशिका का, इस लघु बीजाणु मात्र कोशिका का थोड़ा सा पदार्थ निकलकर अगर यहाँ आ गया, या इसका केंद्रक से निकलकर जीन्स यहाँ आ गए, इस कोशिका में आ गए, तो ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका तो युग्मक ही नहीं बना पाएगी। अगर समझ नहीं आया, हमारा दिमाग एक भोंट है, हमारे ना यहाँ पर लोकल लैंग्वेज में ना राजस्थान में क्या बोलते हैं, दिमाग जो है भोंट है, भोंट भोंट का मतलब चलता ही नहीं है, कितना भी सिखा लो, भैंस टाइप का होता है, है? अरे भाई फील कर, दो कोशिका है, दो बॉल है, है ना, एक बॉल का द्रव्य निकलकर दूसरे में चला गया, तो जो एक बॉल जिसका निकल जाएगा द्रव्य दूसरे में चला जाएगा, तो जिसका निकल जाएगा वो सिकुड़ जाएगी, है, वो आगे कुछ बना पाएगी ढंग से, नहीं बना पाएगी ना। तो जरा सोच, ये वाली लघु बीजाणु मात्र कोशिका का अगर पदार्थ गलती से निकलकर यहां चला गया, साहब ये तो युग्मक नहीं बना पाएगी, हाँ ये बना लेगी, और इसमें अगर एक्स्ट्रा आ जाएगा तो इस पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो कुल मिलाकर हमें आपके हिसाब से क्या करना चाहिए, क्या मैं इस प्लाज्मोडेस्मेटा को अगर मैं बंद कर दूं, इसको बंद कर दूं, अगर मैं इस प्लाज्मोडेस्मेटा को ही बंद कर दूं, ये जो पुल बना रखा है हमने, दो कोशिकाओं को जोड़ने वाला पुल बना रखा है, अगर मैं इसी को ही खत्म कर दूं, तो भाई साहब कुछ जा ही नहीं पाएगा, और जब कुछ जा नहीं पाएगा, सीधी सी बात है, ये कोशिकाएं जो है प्रॉपर रहेंगी। तो सर कैसे बंद करेंगे सर आप इस पुल को, है ना, फाइनली को
क्वेश्चन यही आ गया, सर हम कैसे बंद करें इस प्लाज्मोडेस्माटा को, कैसे खत्म करें? तो बेटा इसको खत्म करने के लिए यही खुद लघु बीजाणु मात्र कोशिका, अपने चारों तरफ, ध्यान से सुनना, ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका अपने चारों तरफ एक स्तर का निर्माण करती है। क्या बोला हमने? ये अपने चारों तरफ एक स्तर का निर्माण करती है। इसका निर्माण करती है, एक स्तर का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है दोस्त? एक स्तर का निर्माण करती है। और जरा सोचिए उस स्तर ने क्या किया, जरा सोचिए उस स्तर ने क्या किया, प्लाज्मोडेस्माटा को तोड़ दिया या प्लाज्मोडेस्माटा का जो कनेक्शन था उसे खत्म कर दिया। अब सर ये जो स्तर जो है, ये स्तर जो है, इस स्तर का नाम क्या और ये स्तर किसने बनाई है? तो इसी लघु बीजाणु मात्र कोशिका ने, देख अपने बाहर, इसी लघु बीजाणु मात्र कोशिका ने अपने बाहर ये स्तर बनाई है दोस्त। ये वाली जो स्तर जो है, जो पीली पीली, जिसके अंदर मैं लाल 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 कर रहा हूं, ये जो स्तर जो है, ये स्तर किसने बनाई है? इसी लघु बीजाणु मात्र कोशिका ने अपने चारों तरफ एक स्तर बना डाली। और ये जो स्तर जो, ये स्तर जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका ने अपने चारों तरफ बना डाली है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका ने अपने चारों तरफ ये जो स्तर बना डाली है, इस स्तर का नाम है क्या? कैलोज। क्या नाम है? कैलोज स्तर। तो कैलोज स्तर किसने बनाई है? सर ये कैलोज स्तर बनाई है किसने? लघु बीजाणु मात्र कोशिका ने स्त्रावित करी है। डन? नहीं आया समझ में? अब देख, इतनी सी बात सुनने के बाद अब मेरी तरफ फोकस कर, ध्यान से सुन। मैंने कहा ये दो कोशिकाएं हैं, ये दो कोशिकाएं हैं, और ये दो कोशिकाएं आपस में जुड़ जाती है। ये दो कोशिकाएं आपस में कनेक्टेड है, किसके द्वारा? एक कनेक्शन है जिसका नाम है जीव द्रव्य तंतु प्लाज्मोडेस्माटा, उसके द्वारा ये आपस में जुड़ सकती हैं, ठीक है। और अगर ये जुड़ी रह गई तो इसका पदार्थ निकल कर इसमें जा सकता है। हाँ, मेरे हाथों में नौ नौ चूड़ियां हैं, इधर देख ध्यान से, ये दो कोशिका, इस कोशिका से पदार्थ निकल कर यहां जा सकता है, हाँ, इससे निकल कर यहां जा सकता है, हाँ, लेकिन हम जो है वो जाने नहीं देना चाहते। तो क्या करें? इनके बीच में जो कनेक्शन है उसको तोड़ना पड़ेगा, चूड़ियां तोड़नी पड़ेगी है। तो वो कैसे तोड़े, वो कनेक्शन को कैसे तोड़े? तो ये कोशिका अपने चारों तरफ एक स्तर बनाती, इसने अपने चारों तरफ एक लेयर बनाई, इसने अपने चारों तरफ एक लेयर बनाई, और वो लेयर क्या कर रही है? प्लाज्मोडेस्माटा बनने नहीं देगी, खत्म कर ला। इतनी सी बात थी, खत्म। बोलिए यहां तक की बात समझ में आ गई? चले अब फाइनली मुझे बताइए, क्या आपको इस डायग्राम में एक नीली स्तर दिखाई दे रही है? हाँ सर, ये जो नीली स्तर है इसका नाम है कैलोज। नीली स्तर क्या कहला रही है? कैलोज। और उसके अंदर ये कोशिका दिख रही है? हाँ सर, ये कोशिका है कौन? पराग मात्र कोशिका या लघु बीजाणु मात्र कोशिका। अच्छा, इसको हम पराग मात्र कोशिका या लघु बीजाणु मात्र कोशिका भी बोल सकते हैं। पराग मात्र कोशिका या लघु बीजाणु मात्र कोशिका भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है सर जी। हाँ जी, अब इधर देखिएगा, फोकस करिएगा, कहाँ गया? हाँ ये रहा। तो हमने फाइनली प्लाज्मोडेस्माटा के कनेक्शन को तोड़ दिया है, ठीक है सर। मेरे से कोई गलती तो नहीं हुई है यहाँ तक? टैपेटम के कार्य में मैंने, ठीक है सही लिखा है, कैलेज लिखा है, मेरे को लगा कैलोज तो नहीं लिख दिया, यहाँ पर मैंने कैलेज लिखा है और वहां पर मैंने कैलोज लिखा है, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, कैलोज। तो कैलोज स्तर का नाम है और कैलेज एंजाइम का नाम है, याद रखना। कैलेज एंजाइम का नाम है और कैलोज लेयर का नाम है, ठीक है सर। अब आ जाते हैं फाइनली, इधर आ जाते हैं सर। ये आपने एक नीली नीली स्तर बना दी है जिसका नाम है क्या? क्या नाम है? कैलोज स्तर। कौन सी स्तर है? कैलोज। और इस कैलोज स्तर के अंदर मिल रही है कोशिका, मैंने कहा जी ये कोशिका है जो है द्विगुणित, मैंने कहा जी।
अब आप जानते हैं, आपने इससे पिछला जो चैप्टर, इससे पिछले से पिछला चैप्टर जो आपने पढ़ा था, जो सर ने आपको पढ़ाया था कोशिका विभाजन, उसमें अर्धसूत्री विभाजन आपने पढ़ाया था। हाँ जी, पढ़ा था आपने अर्धसूत्री विभाजन। यस सर। अर्धसूत्री विभाजन जब होता है तो एक कोशिका से कितनी कोशिकाएं बनती है? सर जी, चार कोशिकाएं बनती है। याद कर, एक कोशिका जिसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, द्विगुणित होती है, उसमें सबसे पहले अर्धसूत्री प्रथम होता है, हाँ, दो अगुणित कोशिका बनती है, हाँ, फिर इन दोनों अगुणित कोशिका में अर्धसूत्री द्वितीय होता है, हाँ, जिससे फाइनली टोटल लास्ट में चार अगुणित कोशिका बनती है, हाँ। मैंने तुमसे बोला ये कौन? सर ये है लघु बीजाणु या पराग मात्र कोशिका। इतना कॉमन सेंस आना चाहिए आपको कि या तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका बोलो या पराग मात्र कोशिका बोलो, ठीक है? अंग्रेजी में क्या बोलेंगे सर? माइक्रोस्पोर मदर सेल, या इसको हम पॉलन मदर सेल बोलते हैं, शॉर्ट में हम इसको एमएमसी या पीएमसी बोलते हैं, ठीक है सर? और बाहर ये नीली जो स्तर थी, ये कौन थी सर? कैलोज, ठीक है। अब मैं तुमसे बोल रहा हूँ ये लघु बीजाणु या पराग मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन हो गया, पूरा का पूरा अर्धसूत्री विभाजन हो गया। अब तुम मुझे इतनी सी बात बताओ ना यार, अर्धसूत्री विभाजन जब हो जाएगा तो टोटल लास्ट में कितनी कोशिकाएं बनेंगी? चार नहीं बनेंगी? कितनी बनेंगी सर? चार कोशिकाएं बनेंगी। कितनी कोशिकाएं बनेंगी? चार कोशिकाएं बनेंगी। लो जी, बन गई चार कोशिका। हाँ सर, चार कोशिका बन गई है। और ये चारों कोशिका द्विगुणित है कि अगुणित है? सर ये चारों कोशिका अगुणित है। कैसी हैं? चारों अगुणित है। और इन चारों के चारों तरफ, इन चारों के चारों तरफ अभी भी कौन है सर? कैलोज है। कैलोज थोड़ी ना हटी है सर, ये रही कैलोज। बताइए, ये अगर दसवीं क्लास में भी कोई चीज, टेंथ क्लास में भी कोई होएगा, आराम से इस चीज को समझ लेगा कि भाई साहब कैलोज तो कैलोज यूं की यूं रही, कैलोज तो यूं की यूं रही। विभाजन तो अंदर कोशिका में हुआ ना, ये जो कोशिका है इसमें विभाजन हुआ, कोशिका में विभाजन हुआ, अर्धसूत्री विभाजन पूरा हो गया तो चार कोशिका बनी है। अब प्रत्येक कोशिका जो है उसका नाम है लघु बीजाणु। प्रत्येक जो कोशिका है उसका नाम है लघु बीजाणु। क्या नाम है? लघु बीजाणु। तो अब आप मुझे बताएं, क्या लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप, अर्ध सूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप चार लघु बीजाणु बने हैं? फोकस कर मेरी शब्दों पर। क्या बोला मैंने? मैं मेरे वर्ड पर फोकस कर जो मैं लिपसिंग कर रहा हूं। क्या लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से चार लघु बीजाणु बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? हां सर। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है आपकी? लघु बीजाणु जनन। तो देख लो, तुम्हारे सामने है, ये पराग मात्र कोशिका थी, हाँ सर, जिसको हमने लघु बीजाणु मात्र कोशिका बोला, हाँ सर, इसमें विभाजन हुआ, हाँ सर, टोटल कितनी कोशिकाएं बन गई? चार। एक दो तीन चार, बाबा जी की जय जयकार। बोलिए, क्या आपको ये चार कोशिकाएं बनती हुई दिखाई दे रही है? हाँ। और ये चारों कोशिकाएं किसके अंदर है जरा सोच, अभी भी कैलोज स्तर के अंदर है कि नहीं है सर? कैलोज स्तर थी या नहीं थी? हाँ सर, ये कैलोज स्तर है। इसी कैलोज स्तर के अंदर चार कोशिकाएं हैं कि नहीं है? यस सर, ये चारों कोशिकाएं हमें दिखाई दे रही है। अब ये क्या कहलाता है? लघु बीजाणु धानी के अंदर क्या हुआ है? लघु बीजाणु जनन हुआ है। लघु बीजाणु धानी के अंदर क्या हुआ है? लघु बीजाणु जनन हुआ है। अब दोस्त आप मुझे बताइएगा सोच समझ कर, एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से एक अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप चार क्या बन रहे हैं? लघु बीजाणु बन रहे हैं। डन, कोई तकलीफ नहीं है, समझ में आ गया आराम से, ठीक है? चलें, अब इधर देखिएगा, ये जो लघु बीजाणु जो बने हैं ना,
ये जो संरचना जो बनी है इसको हम बोलते हैं लघु बीजाणु चतुष्क। क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु चतुष्क। लघु बीजाणु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर। और चतुष्क को बोलते हैं टेट्राड। तो अब आप मुझे बताएं, चार लघु बीजाणु नहीं बने? हाँ सर, चार माइक्रोस्पोर नहीं बने हैं। और उनका क्या दिखाई दे रहा है तुमको? चार 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 लघु बीजाणु बने हैं तो उनका क्या दिखाई दे रहा है? चतुष्क नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, तो इसको हम क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु चतुष्क बोलते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं। तो आपसे कोई पूछे कि भाई साहब लघु बीजाणु जनन क्या होता है, तो आप सीधा बोलेंगे सर जी जब लघु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है तो चार लघु बीजाणु बनते हैं, और वो चार लघु बीजाणु जो हैं वो एक एक स्तर के अंदर हैं जिसका नाम है कैलोज। इस संरचना को हम क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं। मैंने कहा वाह भाई वाह, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब एक छोटी सी एक्स्ट्रा चीज जो है वो मैं आपको समझाने वाला हूं, जरा देखना। मैं कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूं, देखते हैं कितने बच्चे समझ पाते हैं। बेटा लघु बीजाणु जनन से जो लघु बीजाणु चतुष्क बनते हैं, लघु बीजाणु चतुष्क जो बनते हैं, ये लघु बीजाणु चतुष्क चार प्रकार के होते हैं संरचना के आधार पर। क्या बोला हमने? ये लघु बीजाणु चतुष्क जो है ये चार प्रकार के हैं। किस आधार पर? संरचना के आधार पर। इसके आधार पर, संरचना के आधार पर। कितने प्रकार के हैं सर जी? चार प्रकार के हैं। मैंने कहा ठीक है जी, देखिए कौन कौन से, जरा गौर से देखिएगा जनाब। देखिएगा जरा यहां पर, सर ये तो हमें चतुष्क दिखाई नहीं दे रहा, ये हमें चतुष्क तो किसी एंगल से दिख ही नहीं रहा। सर आपने तो यहां पर तीन कोशिका दिखाई है। अब जरा सोचिए, तीन दिख रही हैं, और ये जो मैंने यहां पर बना रहा हूं ये 2D है कि 3D है? सर 2D है। एक इन तीनों के पीछे है, यहां पर इन तीनों के पीछे है यहां पर। ये संरचना जो होती है बेटा, याद रखना, ऐसी संरचना को भूलना जाइएगा, चतुष्फलकीय बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चतुष्फलकीय। क्या बोला जाता है? चतुष्फलकीय। टेट्राहेड्रल। ठीक है, सिंपल सा था। चले दूसरा देखिए, दूसरा वाला मैंने अभी आपको बनाकर दिखा दिया है। जब सामने से देखते हैं तो चारों दिखाई देती हैं, ठीक है। इसको हम हिंदी में बोलते हैं समद्विपार्श्विक। समद्विपार्श्विक समद्विपार्श्विक आइसोबाइलेटरल। आराम से सुन, ध्यान से सुन, क्यों नहीं समझ में आएगा? बिल्कुल समझ में आएगा, पढ़ने वाला बच्चा आराम से पढ़ेगा सुनेगा, और जो बातें करने वाला है बेटा वो पूरे साल भर बातें करेगा, कुछ नहीं पढ़ेगा, वो पढ़ने वाला सारी बातों को सुनेगा समझेगा पढ़ेगा, और जो नहीं पढ़ने वाला है वो सिर्फ बातें करेगा, है ना, या कमियां निकालेगा, और कुछ नहीं, बस पढ़ने वाला आराम से पढ़ेगा, कंसेप्ट सुनेगा, नोट्स बनाएगा, साथ साथ लिखेगा बस। और जो नहीं पढ़ने वाला है ना, 100 कमियां निकालेगा, सर जी मजा नहीं आ रहा, सर जी स्टैंड अप हो जाओ, सर जी समझ नहीं आ रहा, भाई तेरे को सिंपल सी बात, तेरे को ये समझ में नहीं आई, ये तेरे को एक कोशिका दिख रही है, अंदर दिख रही है, बाहर एक स्तर है कैलोज। कैलोज स्तर के अंदर जो एक कोशिका उसने विभाजन करा, कौन सा? अर्धसूत्री। चार कोशिकाएं बनती है अर्धसूत्री विभाजन संपन्न होने के बाद में, और चारों कोशिकाएं अगुणित होती हैं। तो हमने बोला ये जो चार कोशिकाएं बनी हैं इनको हमने बोला लघु बीजाणु। कितने लघु बीजाणु बने? चार। तो क्या बोल दिया? लघु बीजाणु चतुष्क बन गया। अब ये लघु बीजाणु चतुष्क संरचना के आधार पर चार प्रकार के होते, जिसमें से सबसे पहला जो था वो था चतुष्फलकीय, जिसमें आगे से जब देखते हैं तो तीन दिखते हैं, ऐसे तीन दिखते हैं, और एक पीछे होता है,
चतुष्फल की है, सम द्विपार्श्विक समान है, पार्श्व भाग जो है समान है, इधर से भी दो हैं ऊपर नीचे, इधर से भी दो हैं ऊपर नीचे, यानी समान रूप से द्विपार्श्व संरचना है। ठीक है, नेक्स्ट। बताइए क्या मैं इसको टी आकार बोल सकता हूं, टी आकार, टी शेप? नहीं बोल सकता, टी शेप नहीं बोल सकता। दो कोशिका यहां, एक एक ले बोल सकता हूं, यस सर, टी आकार खत्म। और एक होता है रेखीय, एक रेखा में मिल रही है, चारों के चारों रेखीय। ठीक है, और इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं लीनियर। तो ये चार प्रकार के आपके क्या हैं, लघु बीजाणु चतुष्क हैं। अब चारों के बाहर मुझे कैलोजिस्टर तो बनानी पड़ेगी ना भाई, चारों जो हैं एक दूसरे से चिपके कैसे रहेंगे? सोचिए अगर ये स्तर ना हो तो चारों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे भाई, नहीं? ये चारों एक दूसरे से अलग नहीं हो जाएंगे? हाँ सर, तो आपको इन चारों को एक दूसरे से चिपकाए रखना है, तो कैसे चिपके रहेंगे? चारों के ऊपर स्तर मिलेगी। और वो जो स्तर है उसका नाम क्या है? कैलोज है। ठीक है सर जी, यहाँ तक की बात बहुत सिंपल सी थी, नॉर्मल सी थी, हमें समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, अब इधर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो कैलोज स्तर के अंदर जो चार आपके लघु बीजाणु थे वो अलग अलग अरेंजमेंट में हैं, अलग अलग संरचना के आधार पर अलग अलग अरेंजमेंट में, तो चार प्रकार के हैं, हमने चारों का नाम दे दिया। ठीक है सर, यहाँ तक की बात हमें बहुत सिंपल सी समझ में आ गई है। ठीक है, अब आप ये बताइए ज्यादातर पादपों में कौन सा लघु बीजाणु चतुष्क मिलता है? तो याद रखना, मैक्सिमम पादपों में, भूलना जाइएगा, क्या बोला हमने, मैक्सिमम, भूलना जाइएगा, मैक्सिमम पादपों में, अधिकतम पादपों में ये वाला लघु बीजाणु चतुष्क मिलता है, भूलना जाइएगा, मैक्सिमम अधिकतम पादपों में, याद रखना, अधिकतम अधिकतम पादपों में, पादपों में ये चतुष्क पाया जाता है। क्या बोला हमने, अधिकतम पादपों में ये वाला चतुष्क पाया जाता है। अगर पीछे से आपको बैकग्राउंड नॉइज आ रही है तो उसके लिए हम माफी चाहते हैं दोस्त, एक दिन और रुक जाओ, तसल्ली रखो, बस एक दिन की और बात है, एक दिन, वन मोर डे, एक से ज्यादा दिन और मैं नहीं होने दूंगा, एक से ज्यादा दिन नहीं होने दूंगा, चाहे मेरे को क्लास ना भेजनी पड़े, चाहे मेरे को क्लास ना भेजनी पड़े, ये लास्ट क्लास होगी इस तरीके से बैठे बैठे। ठीक है, ठीक है, मैं भी थक गया हूँ इस तरीके से, मतलब ना मेरे को मजा आता है ना आप लोगों को मजा आता होगा, तो हम खड़े खड़े नेक्स्ट क्लास पक्का 100% शॉर्ट शॉर्ट, जय माता दी, कौन सी होगी, खड़े खड़े होगी। ठीक है, सो अधिकतम पादपों में ये चतुष्क पाया जाता है, मैक्सिमम पादपों में ये चतुष्कीय संरचना पाई जाती है, कौन सी, चतुष्क फल की संरचना, टेट्राहेड्रल, भूल ना जाना। ठीक है, और एक और, एक और क्या, स्टार बनाकर लिख लीजिएगा, पहले एम्स में प्रश्न पूछे जाते थे, आपने आज तक मेरे लेक्चर देखे होंगे, किसी ने यूट्यूब पर देखे होंगे, कहीं ना कहीं किसी ने पहले, कहीं ना कहीं किसी वीआईपी बैच में भी देखे होंगे, मैंने आज तक ये सारी चीजें नहीं पढ़ाई है क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं था, लेकिन 2022 के पेपर को देखकर लगा यार दोस्त, कंपटीशन 2023 में और बढ़ने वाला है, तो एक्स्ट्रा तो पढ़ाना पड़ेगा, और मैंने आप सभी को बोला था आरंभ बैच में मैं आपको कुछ चीजें एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा, ये है वो कुछ एक्स्ट्रा चीजें, एरिस्टोलोकिया एलिगेंस, एरिस्टोलोकिया एलिगेंस, एरिस्टोलोकिया एलिगेंस, और मेरे को ना मतलब मेरे पेट में कोई बात छुपती नहीं है, मेरे जो भी होता है ना मैं सारा खोल के रख देता हूं अपने बच्चों के आगे। कोटा में इस साल कुछ बच्चे पढ़ने गए हैं और बहुत जानी मानी, आप जानते हैं क्या है आपकी कोचिंग इंडस्ट्रीज हैं, जानी मानी है ना, तो मैंने ना उनके मॉड्यूल्स मंगाए, मैंने कहा यार वहां पर सिलेक्शन होता है, क्यों होता है,
मैंने कहा इस बार तो मेरे पास भी बहुत सारे बच्चे हैं, है ना, तो मैं एक काम करता हूँ, वहां पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं, वहां पर जो मॉड्यूल्स हैं, जो बड़े बड़े कोचिंग में बच्चों को मॉड्यूल्स दिए जा रहे हैं, क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं ना, मैं काम करता हूँ, मैं मंगवा लेता हूँ। मैंने इस साल ना ये जब बैच स्टार्ट हुआ ना, मैंने पूरी मेहनत किस चीज पे करी किस चीज पे करी, मैंने मॉड्यूल्स मंगाए हैं, ठीक है। अब उन मॉड्यूल्स में जो थ्योरी है, वो थ्योरी को मैंने देखा और वही थ्योरी मैं आपको पढ़ा रहा हूं। और बोलो, वहां पर एक एक लाख रुपए दे रहे हैं बच्चे, एक एक लाख रुपए दे रहे हैं इसी चीज को पढ़ने के लिए। जी हाँ, विश्वास ना हो तो पूछ लेना, अगर आपका कोई दोस्त कोटा में पढ़ रहा है ना, तो उसके नोट्स देख लेना और अपने नोट्स देख लेना, यही चीज पढ़ रहे हैं वो भी, उनको भी एक्स्ट्रा पढ़ाया जा रहा है, वही चीज मैं भी आपको पढ़ा रहा हूं, ताकि जब कॉम्पिटिशन हो ना तो बराबर के लेवल का हो, जब कंपटीशन हो तो बराबर के लेवल का हो। ऐसा नहीं है कि आपको थोड़ा कम आता है और उनको थोड़ा ज्यादा आता है, हमने थोड़ी सी खेल खेल लिया, क्या हमने वहां की सारी चीजों को तुमको देने की कोशिश करी, ताकि कंपटीशन जो हो जबरदस्त लेवल का हो, ठीक है। तो एरिस्टोलो की एलिगेंस, सर जी ये का होता है दोस्त, ये एक पादप का नाम है, सीधा सीधा एरिस्टोलोकिया, एरिस्टोलोकिया पादप का नाम है, और ये एरिस्टोलोकिया एलिगेंस में चारों प्रकार के लघु बीजाणु चतुष्क पाए जाते हैं, यानी एरिस्टोलोकिया एलिगेंस में ये वाला भी मिल सकता है, ये वाला भी मिल सकता है, ये वाला भी मिल सकता है, ये वाला भी मिल सकता है। मैंने कहा हाँ, कुछ एरिस्टोलोकिया एलिगेंस में ये वाला भी मिला है, कुछ में ये वाला भी मिला है, 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 खत्म। यानी एरिस्टोलोकिया एक ऐसा पादप है जिसमें चारों प्रकार के लघु बीजाणु चतुष्क मिले हैं, चारों प्रकार के लघु बीजाणु चतुष्क मिले हैं किसमें, एरिस्टोलोकिया एलिगेंस में, भूल ना जाइएगा। और साथ साथ क्या बेटा, ये जो लघु बीजाणु चतुष्क जो होते हैं, इनमें से मैक्सिमम जो सबसे ज्यादा पादपों में मिलता है वो ये वाला मिलता है, ये वाला याद रखना, कौन सा, चतुष्फलकीय जो होता है, टेट्राहेड्रल जो होता है, ये सबसे ज्यादा मिलता है किसमें बेटा जी, याद रखना, किसमें, अधिकतम पादपों में, ज्यादातर ये डाइकॉट्स द्विबीजपत्री में मिलता है और ये वाला एक बीजपत्री में मिलता है। इतना डिटेल में मेरे ख्याल से आपको जाने की जरूरत नहीं है, चले कोई कंफ्यूजन तो नहीं था बिंदास, चल यहां तक की बात मेरे ख्याल से आपको सभी में समझ में आ गई होगी। अब अगला जो टॉपिक आ रहा है बेटा, लघु बीजाणु जन्म के बाद अगला जो टॉपिक आता है वो आता है लघु बीजाणु का परागकण में परिवर्तन। अब लघु बीजाणु किसमें बदलेगा, परागकण में बदलेगा। क्या बोला सर, लघु बीजाणु जो है वो परागकण में बदलेगा। मैंने कहा ये तुमको लघु बीजाणु दिख रहा है, हाँ, यही लघु बीजाणु आगे चलकर परागकण में बदलता है। क्या सर जी, मैंने कहा यही लघु बीजाणु जो तुमने बनाया है ना, ये जो लघु बीजाणु तुमने बनाए हैं, यही लघु बीजाणु आगे चलकर किसमें बदलते हैं, परागकण में बदलते हैं। ओके सर जी, समझ में आ गया। अब बांगड़ू जरा इतनी सी बात मुझे बताना, देखो जरा इधर देखो, गौर से देखो, यहां पर देखो, मैंने तुम्हें ये जो संरचना जो तुम्हें दिख रही है ये क्या बताई थी, ये संरचना पूरी की पूरी क्या कहला रही थी, लघु बीजाणु धानी। अब इधर देख, मैं प्रॉपर एक एक चीज यहां पर बना रहा हूं, इधर देख, ये क्या कहला रही थी, लघु बीजाणु धानी थी, फोकस करना, इधर पूरी चीज रिवाइज करा रहा हूं। देख, इस लघु बीजाणु धानी में सबसे बाहर कौन, बाह्य त्वचा, फिर अंतस्थीसियम, फिर मध्यस्तर, फिर टैपिटम। ओके सर, और अंदर कौन था, बीजाणुजन ऊतक था, बीजाणुजन ऊतक ने विभाजन करके क्या बना दिया था, लघु बीजाणु मातृ कोशिका। ठीक है सर, ये लघु बीजाणु हमारी मातृ कोशिकाएं हैं, ये जो अंदर है लघु बीजाणु मातृ कोशिका, और ये लघु बीजाणु मातृ कोशिका में प्लाज्मोडेस्मेटा को खत्म करने के लिए इनके चारों तरफ क्या था, कैलोजिस्टर थी। अब एक कोशिका मैं यहां पर दिखा दूं, या चलो दो कोशिका दिखा देता हूं, यहां पर दो कोशिका दिखा देता हूं मैं, यहां पर मान लेते हैं ये दो हमारी लघु बीजाणु मातृ कोशिका थी, ठीक है, जिन पर क्या मिल रहा था सर, जिन पर कैलोज आवरण मिल रहा था। मैंने कहा ठीक है, अंदर क्या मिल रहा था, कैलोज आवरण मिल रहा था, और ये हमारी कोशिका थी।
कौन सी कोशिका थी? सर ये हमारी लघु बीजाणु मात्र कोशिका थी। मैंने कहा ओके ओके नो प्रॉब्लम, ये हमारी लघु बीजाणु मात्र कोशिका है और बाहर कैलोजिस्टर थी। मैंने कहा ओके, इन लघु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या हो गया सर? अर्धसूत्री विभाजन हो गया और अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप क्या बन गए हैं सर? ये बदल जाएगी किसमें? याद करिए चतुष्फल की है, सामने से कितनी दिख रही है? तीन, एक पीछे होगी है ना, पीछे की तरफ इस तरीके से होंगी होंगी, टोटल कितनी? चार। ठीक है सर, ये संरचना बन जाएगी। क्या बन गया? लघु बीजाणु चतुष्क बन गया। हाँ सर, लघु बीजाणु चतुष्क बन गया। क्या बन चुका है? लघु बीजाणु चतुष्क, यानी ये संरचना है खत्म। अब तो आप मुझे बताइए फाइनली अंदर अंदर लघु बीजाणु धानी में अंदर क्या मिल रहे हैं? सोचिए सर, सिंपल तरीके से दिखाता हूं। ये लघु बीजाणु धानी में अंदर क्या मिल रहे हैं सर? लघु बीजाणु चतुष्क मिल रहे हैं। बोलिए, बोल सकता हूं सिंपल भाषा में? सिंपल भाषा में क्या मिल रहे हैं सर? लघु बीजाणु चतुष्क मिल रहे हैं। बोलिए, आया समझ में यहां तक की कहानी? डंडना डंडन, कोई तकलीफ, प्यार से आराम से, कोई कोई दिक्कत नहीं आई ना, सब समझ में आ गया ना? ठीक है। अब ये जो लघु बीजाणु चतुष्क जो मिल रहे थे है ना, ये लघु बीजाणु चतुष्क में कहीं बाहर क्या मिल रहा था सर? अच्छा, यही जो लघु बीजाणु चतुष्क के अंदर जो चार कोशिका है, प्रत्येक कोशिका को क्या बोला? लघु बीजाणु बोला ना। वो लघु बीजाणु आगे चलकर परागकण बनाएगा। वही लघु बीजाणु आगे चलकर क्या बनाएगा? परागकण बनाएगा। लघु बीजाणु आगे चलकर क्या बनाएगा? परागकण बनाएगा। याद रखना, भूलना जाइएगा। लघु बीजाणु आगे चलकर क्या बनाएगा सर? परागकण बनाएगा। मैंने कहा वाह भाई वाह, मजे आ गए। ठीक है, अच्छी बात है। लघु बीजाणु आगे चलकर क्या बनाएगा? परागकण बनाएगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। लेकिन बनाने के लिए आपको सबसे पहले इस कैलोज स्तर को हटाना पड़ेगा। किसको हटाना पड़ेगा? कैलोज स्तर को। कैसे हटाएं ये कैलोज स्तर? कैसे हटाएं जनाब ये कैलोज स्तर? कैसे हटेगी तो जरा देखना। टैपिटम ने एक एंजाइम उत्पन्न किया था जिसका नाम था कैलेज। मुझे एक सिंपल सी बात बताना, आपने प्रोटीन नाम सुना है? यस सर। प्रोटीन को तोड़ने का काम पता है कौन सा एंजाइम करता है? प्रोटीएज। ठीक है, माल्टोज एक शर्करा होती है, उसको तोड़ने का काम पता है कौन करता है? माल्टेज। लिपिड्स नाम सुना है? लिपिड्स को तोड़ने का काम कौन करता है? लाइपेज। लिपिड्स को तोड़ने के लिए लाइपेज, माल्टोज को तोड़ने के लिए माल्टेज, फ्रक्टोज को तोड़ने के लिए फ्रक्टेज, सुक्रोज को तोड़ने के लिए सुक्रेज, प्रोटीन को तोड़ने के लिए प्रोटीएज, तो कैलोज को तोड़ने के लिए कैलेज। और कैलेज कौन निकल रहा है सर जी? ये जो हमारी कौन थी? टैपिटम। इस टैपिटम ने क्या कर दिया सर जी? ये टैपिटम जो थी, इस टैपिटम ने क्या निकाला? कैलेज एंजाइम। और वो कैलेज एंजाइम कैलोज को तोड़ देगा। अब आप इमेजिन करिए, कैलोज अगर टूट जाएगी तो क्या लघु बीजाणु एक दूसरे से मुक्त हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे या चिपके रहेंगे? सर जी लघु बीजाणु मुक्त हो जाएंगे, एक दूसरे से फ्री हो जाएंगे। बोलिए जनाब, यहां से यहां तक की बात समझ में आई? तो ये कैलेज जो एंजाइम जो था, इस कैलेज एंजाइम का कार्य क्या था बेटा? मेरे ख्याल से आप सभी समझ गए होंगे। ये कैलोज आवरण को नष्ट कर देता है। जो कैलोज आवरण था उसको क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। आई होप यहां तक की बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। ठीक है सर, डंडना डंडन खत्म हो गया। कौन खत्म हो गया? कैलोज आवरण जो है वो नष्ट हो चुका है। ठीक है, लघु बीजाणु। अब यहां पर ये कौन है जरा सोच सर। अब ये है लघु बीजाणु। हमारी बुक में ना इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप नहीं समझाई होती, डायरेक्ट डायग्राम दिया जाता है। टीचर का कार्य यही है, स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझाना भाई। तो भाई साहब, आपका ये जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका थी, इस लघु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या हो गया दोस्त? सर जी लघु बीजाणु मात्र कोशिका में हुआ था लघु बीजाणु जनन।
वापस से यहां पर पूरा लिख देता हूं, लघु बीजाणु जनन यानी अर्धसूत्री विभाजन, और उस अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप क्या बने हैं, लघु बीजाणु। और लघु बीजाणु चतुष्क जो बना था उसमें लघु बीजाणु मुक्त हो गए हैं। बोलिए, लघु बीजाणु मुक्त हो गए हैं। कैसे मुक्त हुए हैं, कैलेज द्वारा, कैलोज आवरण जो है वो हट चुका है, कैलोज आवरण हट गया। और किसने हटाया, ये आप जानते हैं, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, कैलेज एंजाइम ने हटा दिया। चलो सर, कुल मिलाकर ये हमारे लघु बीजाणु फ्री हो चुके हैं। अब आगे क्या होगा दोस्त, आगे बढ़ने से पहले जरा जल्दी से मुझे बताएं, लघु बीजाणु कैसे हैं, अगुणित है कि द्विगुणित है? अगुणित है। लघु बीजाणु कैसे हैं, अगुणित है। पढ़ते पढ़ते ये मत भूल जाना कि पढ़ क्या, पढ़ते पढ़ते ये मत भूल जाना कि पढ़ क्या रहे हैं। भाई साहब, तुमने अर्धसूत्री विभाजन कर दिया, क्या कर दिया, अर्धसूत्री विभाजन कर दिया है। एक द्विगुणित कोशिका से अगुणित कोशिका नहीं बनेंगी, तो ये लघु बीजाणु जो मुक्त हो रहे हैं कैसे, अगुणित नहीं है। हाँ सर, अगुणित है। तो दोस्त ये है आपके लघु बीजाणु जो अब फाइनली क्या हो चुके हैं, मुक्त हो चुके हैं, क्योंकि क्या हट चुका है, कैलेज हट चुका है। ठीक है सर, हट चुका है कैलेज। ठीक है सर, ये हमारे हट चुके हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास एक लघु बीजाणु हमारा दिखाई दे रहा है। अब हमें लघु बीजाणु से परागकण बनाना है, और ये परागकण हमें अंदर ही बनाना है। कहां पर, यहां पर, यहीं पर, यहां पर। ये जो लघु बीजाणु है ना, ये लघु बीजाणु परागकण बनाएंगे। तो लघु बीजाणु से परागकण का निर्माण यहीं होएगा। अभी अभी परागकोश फटा है क्या भाई? परागकोश जब फटता है तो क्या निकलता है, परागकण। तुमने परागकण बना दिए? नहीं ना, अभी तो तुमने लघु बीजाणु बनाए हैं। अब तुमको लघु बीजाणु से क्या करना है, परागकण बनाने। तुमको लघु बीजाणु से क्या बनाने हैं, परागकण बनाने हैं। ठीक है, तो आइए अब क्या करते हैं, हम लघु बीजाणु से क्या बनाते हैं, परागकण बनाते हैं। देखिए, ये है हमारा लघु बीजाणु, और इस लघु बीजाणु से हम क्या बनाने वाले हैं, परागकण। बहुत सिंपल है भाई साहब, देखो ये हमारा लघु बीजाणु है, और कैसा है, अगुणित है। क्या ये एक पादप कोशिका है? हाँ सर, नहीं है, है ना, एक पादप कोशिका। अब थोड़ा सा मैं तुमको कोशिका वाले चैप्टर पर ले चलता हूं। एक पादप कोशिका में ये कोशिका झिल्ली है, एक पादप कोशिका में अगर ये कोशिका झिल्ली है, जरा दिमाग लगाओ, कोशिका झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य है। हाँ सर, कोशिकांग होगी। हाँ सर, अगुणित केंद्रक मिल रहा, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन हुआ था। अब मुझे बता, कोशिका झिल्ली के बाहर कौन होएगा? सर जी, कोशिका भित्ति होएगी। मैंने कहा वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। कौन होएगी? सर कोशिका भित्ति होएगी। कौन होएगी? कोशिका भित्ति होएगी। कौन होगी? कोशिका भित्ति होगी। कोशिका झिल्ली के अंदर कौन होगी? कोशिका भित्ति होगी। हाँ सर, कौन होगी? कोशिका भित्ति होगी। डन। ठीक है, कोशिका भित्ति किससे बनी होती है बताओ? तुमने सेल चैप्टर पढ़ लिया, कोशिका भित्ति किससे बनी होती है पादपों में? सर सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज भी होता है, और पेक्टिन। पढ़ा है ना ये, सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, पेक्टिन, ये सारी चीजें होती हैं। किसमें होती है? कोशिका भित्ति में होती है कि नहीं होती है? ये सर पड़ा है। ये क्या होता है? ये एक प्रकार की शर्कराएं होती है, मॉडिफाइड, रूपांतरित शर्कराएं होती है। ठीक है सर, नॉर्मल सी बात थी। अब दोस्त मैं तुमसे बोल रहा हूं, लघु बीजाणु जो है उसको मुझे परागकण में बदलना है, तो क्या होगा, इस लघु बीजाणु के अंदर विभाजन होएगा। क्या होएगा? लघु बीजाणु के अंदर विभाजन होएगा। अब आप मुझे बताएं, कोई कोशिका अगर विभाजन करती है तो सबसे पहले उसका क्या विभाजन करता है? सर जी केंद्रक। मैंने कहा ठीक है, अब यहां पर हमें क्या कराना है, कैरियोकाइनेसिस। लेकिन दोस्त यहां पर हुआ क्या, कैरियोकाइनेसिस असमान हुआ। कैरियोकाइनेसिस जो था वो असमान होगा। असमान का मतलब देख इधर, तुमको एक एक बड़ा केंद्रक
ज्यादा ही बड़ा कर दिया मैंने, तुमको एक बड़ा केंद्रक और एक तश्तरी रूपी केंद्रक दिखाई दे रहा है। तश्तरी होती है ना, तश्तरी फ्रिस्बी फेंकते ना, अरे प्लेट, प्लेट के जैसा है ना। एक केंद्रक तो स्पिंडल शेप का दिखाई दे रहा है जिसको हम तश्तरी या प्लेट जैसा होता है, डिस्क जैसा होता है, और एक अनियमित आकृति का केंद्रक दिखाई दे रहा है। हाँ सर, तो जरा सोचिए आपके पास जो दो केंद्रक बने हैं क्या वो समान है कि असमान है? असमान है, यानी कह रहे हो काइनेसिस कैसा हुआ? असमान। एक छोटा केंद्रक बना है और एक बड़ा केंद्रक बना है, ठीक है सर, इनका नाम क्या है? मैंने कहा रुक जा, छोटा जो केंद्रक है इसको हम बोलते हैं जनन केंद्रक, और बड़ा केंद्रक जो होता है इसको हम बोलते हैं कायिक केंद्रक। छोटा जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? जनन केंद्रक, और बड़ा जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कायिक केंद्रक। अब ये क्या हमने करा दिया? कैरियोकाइनेसिस करा दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे? साइटोकाइनेसिस ना। हाँ जी सर, जो कोशिका द्रव्य है उसको नहीं बांटोगे क्या? यस सर, बांटेंगे, साइटोकाइनेसिस भी कराएंगे। अब साइटोकाइनेसिस जरा देखिएगा, फोकस करिएगा, साइटोकाइनेसिस असमान हो रहा है। साइटोकाइनेसिस जो है कोशिका प्लेट विधि से होता है, ये भी तुम पढ़ चुके पादपों में, कौन सी विधि से होता है? कोशिका प्लेट विधि से। साइटोकाइनेसिस जरा देखना, ये भी असमान हुआ हुआ। एक छोटी कोशिका बनी है और एक बड़ी कोशिका बनी है। जो छोटी कोशिका है उसका नाम है जनन कोशिका, और जो बड़ी कोशिका है वो है कौन सी? कायिक कोशिका। यानी आपका कैरियोकाइनेसिस भी असमान हुआ और साइटोकाइनेसिस भी असमान हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप दो असमान कोशिका बनती है, एक छोटी जनन कोशिका और एक बड़ी कायिक कोशिका। जनन कोशिका जो होती है इसके अंदर जीव द्रव्य थोड़ा सा गाढ़ा होता है, या कोशिका द्रव्य बोल देता हूँ, थोड़ा सा गाढ़ा होता है, गाढ़ा होता है कंपेरेटिवली टू कायिक कोशिका, ठीक है। तो कायिक कोशिका जिसके अंदर कायिक केंद्रक है, जनन कोशिका जिसके अंदर जनन केंद्रक है। जनन केंद्रक का आकार कैसा है? तश्तरी के जैसा है, ठीक है। और कायिक कोशिका का जो केंद्रक है उसका अनियमित आकृति का केंद्रक है, ठीक है, ओके, डन। अब आप मुझे बताइएगा, ये दो कोशिकाएं बन गई और इन दोनों कोशिकाओं में कोशिका भित्ति भी होगी? होगी ना? नहीं होगी? कोशिका भित्ति भी तो होगी ना दोस्त। मैंने अभी तक कोशिका भित्ति कहाँ बनाई थी? यहाँ पर देखो, ऊपर वाली में बना रखी लाल रंग की। हाँ सर, नीचे वाली में नहीं बनाऊंगा? हाँ सर, कोशिका भित्ति है, डन, ओके सर। अब आप हमको बताइए जनाब, क्या तुमको दो कोशिकाएं दिख रही हैं? हाँ सर, दो कोशिकाएं हमको दिखाई दे रही हैं। नहीं दिखाई दे रही? हाँ सर, दो कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं, एक छोटी दिखाई दे रही है और एक बड़ी दिखाई दे रही है। मैंने कहा ठीक है। अब ये जो दो कोशिकीय अवस्था वाली, दो कोशिकीय अवस्था वाली जो संरचना है, इसके ऊपर टैपिटम, गौर फरमाइएगा जनाब, इस दो कोशिकीय अवस्था वाली संरचना के ऊपर टैपिटम कुछ तेल डालती है। क्या? ये जो दो कोशिकीय अवस्था वाली जो संरचना दिख रही है ना तुमको, इसके ऊपर टैपिटम तेल डालती है। भाई लघु बीजाणु यहां था ना भाई, तुम सारा काम कहां पर करा रहे हो? भाई सारा काम कहां करा रहे हो? यहां करा रहे हो। ये कौन है? सर लघु बीजाणु है ना। इस लघु बीजाणु के अंदर कहीं ना कहीं दो कोशिकीय अवस्था बन चुकी है। हाँ सर, अब ये जो टैपिटम जो थी, इस टैपिटम ने तेल डाल दिया इसके ऊपर। क्या डाल दिया? सर तेल डाल दिया। कैसा तेल? ये देख, एक तेलीय पदार्थ डाल दिया। अब आप मुझे बताएं, आपको तेल चिपचिपा फील होता है? यस सर, आपको तेल चिपचिपा फील होता है? यस सर, ये तेलीय पदार्थ डाल दिया। ये तेलीय पदार्थ डाल दिया। अब तेल जो होता है क्या वो चिपचिपा नहीं होता? हाँ सर, तेल जो होता है चिपचिपा होता है। ये तेलीय पदार्थ डाल दिया है, दिख रहा है? हाँ, ये जो तेलीय पदार्थ है, ये तेल से बना हुआ पदार्थ है, इसका नाम है प्रो
तो प्रोबिश्च किससे बना हुआ है? लिपिड से। लिपिड एक प्रकार का तेल, उससे बना होता है कौन? प्रोबिश्च। ठीक है, किसने डाला? टैपिटम ने। ठीक है, और साथ साथ कुछ संरचनाएं जो इसमें नोकीली भी हो सकती हैं, गोलाकार भी हो सकती हैं, ऐसे गोलाकार भी हो सकते हैं, अलग अलग आकृति की होती हैं। तो ये जो संरचना जो होती है, जो यहां पर इसी तेलीय पदार्थ में मिल रही थी, ये संरचना जो आपको इस तेलीय पदार्थ में दिखाई दे रही थी, ये संरचना कहलाती है स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन, और ये स्पोरोपोलेनिन, याद रखना, भूल ना जाना, पूरे पादप जगत का सबसे कठोर पदार्थ होता है। मुझे पता है मैं आज प्रॉपरली शायद अपना 100% नहीं दे पा रहा हूंगा, है ना, क्योंकि आप जानते हैं मैं उदास हूं यार। तो जितना भी पढ़ा रहा हूं अभी पढ़ लो, सुन लो, रिपीट कर दूंगा ये सारी चीजें। स्पोरोपोलेनिन पादप जगत का सबसे कठोर पदार्थ होता है। कौन? स्पोरोपोलेनिन। जैसे जंतु जगत का सबसे कठोर पदार्थ कौन होता है? इनेमल, जो हमारे दांतों पर मिलता है, सफेद रंग का होता है। ऐसे स्पोरोपोलेनिन पादप जगत का सबसे कठोर पदार्थ होता है जो यहां पर मिल रहा था। अब जरा सोचिए, स्पोरोपोलेनिन किसने निकाला? टैपिटम ने। प्रोबिश किसने निकाला? टैपिटम ने। और इन दोनों को मिलाकर हमने क्या बोला? यूबिश। क्या बोला था? यूबिश बोला था, हाँ सर। और ये यूबिश कौन निकाल रहा है? सर, टैपिटम ने निकाला था। तो इस यूबिश के बनने के परिणाम स्वरूप एक स्तरनी बन गई है। क्या इस यूबिश की एक स्तर बनी हुई है? दिमाग लगाओ, क्या इस यूबिश की एक स्तरनी बन रही है? बताइए, क्या इस यूबिश की एक स्तर बन रही है? हाँ सर, हमें यूबिश की स्तर दिख रही है। और इस यूबिश की जो स्तर जो हमें बनती हुई दिखाई दे रही है, उसमें हमें स्पोरोपोलेनिन भी दिख रहा है और किट हमें प्रोबिश भी दिख रहा है। तो यूबिश से जो एक स्तर बन रही है, उसका नाम है बाह्य चोल, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं एक्साइन। बाह्य चोल जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं एक्साइन। और अब आप जरा सोच समझ कर मुझे बताएं, अंदर कोशिका भित्ति थी, दिमाग लगा, अंदर कोशिका भित्ति थी, ये भी तो एक स्तर थी। ये लाल रंग की जो बना रहा हूं दिख रही है? दिमाग लगा, ये लाल रंग की स्तर दिख रही है? ये लाल रंग की जो स्तर, जो कोशिका भित्ति थी, जो सेल्यूलोज और पेक्टिन से बनी हुई थी, ये लाल रंग की स्तर, अब ये स्तर को हम नाम देंगे क्या? अंतःचोल, इंटाइन। सर वो तो सारी बातें हमें समझ में आ गई हैं, लेकिन हमें एक चीज समझ में नहीं आई। सर आपने एक जगह जो बाह्य चोल है उसको, एक जगह आपने बाह्य चोल को नहीं बनाया, थोड़ा सा खाली रख दिया। ये जगह क्या कहलाती है? जनन छिद्र। इसको हम क्या बोलते हैं? जनन छिद्र बोलते हैं। क्या नाम देते हैं? जनन छिद्र। और ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये है परागकण। इसी संरचना को हम क्या बोलते हैं? परागकण। तो अब आप मुझे बताएं, एक परागकण में क्या क्या तुमको दिखाई दे रहा है? एक परागकण में तुमको बाह्य चोल दिखाई दे रहा है? हाँ सर।
जिसको हमने बोला एक्जाइन, जो किससे बना हुआ है सर, यूबिश से। यूबिश किससे बना हुआ है, प्रोबिश स्पोरोपोलेनिन से, ठीक है। फिर उसके अंदर अंत्यचोल, अंत्यचोल एंटाइन, जो एक प्रकार की कोशिका भित्ति है, जो किससे बनी हुई है, सेल्यूलोज और पेक्टिन से। फिर अंदर क्या मिल रही है सर, दो कोशिकाएं मिल रही हैं सर, अंदर दो कोशिकाएं मिल रही हैं, एक छोटी कोशिका और एक बड़ी कोशिका। छोटी कोशिका जो है उसका नाम है जनन कोशिका, और जो बड़ी कोशिका है उसका नाम है कायिक कोशिका। जनन कोशिका के अंदर जनन केंद्रक मिल रहा है, तर्कु रूपी आकृति का, स्पिंडल शेप का, है ना। और कायिक कोशिका के अंदर केंद्रक मिल रहा है, कायिक केंद्रक, अनियमितता के, ये क्या कहला रहा है आपका, परागकण। तो अब आप मुझे बताएं, ये जो परागकण है, कई बच्चे ऐसा सोचते हैं परागकण एक नर युग्मक है, नहीं। परागकण जो होता है दोस्त, याद रखना, इसे हम बोलते हैं नर युग्मकोद भिद। क्या बोलते हैं, नर युग्मकोद भिद बोलते हैं। अब इसके बाद बहुत सारी हमें बातें करनी है, लेकिन मैं चाहता हूं वो बहुत सारी बातें यार मैं खड़ा होकर पढ़ाऊं, यार आपको माफ करना दोस्तों, मेरा मन नहीं कर रहा और इस तरह कर बैठ कर पढ़ाने का, ना मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा हूं, और आपको भी थोड़ा सा फील हो रहा होगा कि सर अब तो खड़े होकर पढ़ा दीजिए, मेरे को पता है, मैं भी जानता हूं मजबूरी थी, है ना, और मजबूरी का नाम गांधी जी है, क्या करें। दोस्त हमको माफ करिएगा आज के लिए, क्योंकि हमने तुमको वादा किया था कि हम तुमको खड़े होकर पढ़ाएंगे, लेकिन हमने पढ़ाया है, तुमको विश्वास नहीं होगा, तुमको लग रहा होगा हम झूठ बोल रहे हैं। अगर झूठ बोल रहे होते तो अब तक के जो लेक्चर है उन लेक्चर्स को आज की तुलना में जो लेक्चर है उससे कंपेयर कर लेना, हम ज्यादा उदास तुमको किस में दिखाई देंगे, आज के लेक्चर में। काहे, क्योंकि हमारा एक घंटा पूरा वेस्ट चला गया है, पूरा ढंग से बनाया था लेक्चर। चलो कोई बात नहीं, ये सारी चीजें फिर से सुनने को मिलेंगी, तो आज इतना ही करेंगे दोस्त। अब इसके आगे जो है, परागकण के फायदे, स्त्री के सर, स्त्री के सर, ये सब कुछ बीजाणु धानी बीजांड, ये सब कुछ ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। गुरु बीजाणु जनन, ये सब कुछ मैं तुमको नेक्स्ट लेक्चर में पूरा का पूरा बताऊंगा। अभी समय हुआ है आपके क्विज का। बेटा पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, फर्स्ट, पराग मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की कितनी संख्या होती है, अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित, बहुगुणित। जल्दी से आंसर लगाइएगा, फटाफट आंसर लगाइएगा। पराग मात्र कोशिका या लघु बीजाणु मात्र कोशिका कैसी थी, अगुणित थी, द्विगुणित थी, त्रिगुणित थी, बहुगुणित थी। लगाइए तुरंत। दूसरा प्रश्न, एक प्रारूपिक आवृत बीजी पराग कोश में लघु बीजाणु धानियों की संख्या कितनी होती है, एक आवृत बीजी पराग कोश में लघु बीजाणु धानियों की कितनी संख्या मिलती है, पराग कोश में लघु बीजाणु धानी जो होती है उनकी कितनी संख्या मिलती है, 1, 2, 3, 4 कितनी मिलती है लघु बीजाणु धानी में पराग कोश की संख्या। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, एपिटम पाई जाती है पराग कोश भित्ति में, अंडाशय भित्ति में, नर युग्मकोद भिद में, मादा युग्मकोद भिद में, एपिटम किस में पाई जा रही थी, आखिरी प्रश्न, एक आवृत बीजी में 400 पराग कणों को उत्पन्न करने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन आवश्यक होंगे, एक लघु बीजाणु से एक पराग कण उत्पन्न होता है तो 400 पराग कण उत्पन्न करने हैं तो कितने अर्धसूत्री विभाजन करने पड़ेंगे। एक हिंट दे रहा हूं, एक अर्धसूत्री विभाजन से 4 लघु बीजाणु बनते हैं, 4 लघु बीजाणु 4 पराग कण बनाते हैं, तो 400 परागकण उत्पन्न करने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन। चलिए हिंट हमने दे दिया था, 4 सिंपल से प्रश्न थे बेटा। यहाँ पर पहला प्रश्न था, पराग मात्र कोशिका कैसी होती है, अगुणित होती है, द्विगुणित होती है, त्रिगुणित होती है, बहुगुणित होती है, तो आप जानते हैं लघु बीजाणु मात्र कोशिका या पराग मात्र कोशिका कैसी थी, द्विगुणित थी, तभी तो अर्धसूत्री विभाजन हुआ था, तभी तो अगुणित लघु बीजाणु बने थे,
डन, आंसर इज बी। नेक्स्ट, एक प्रारूपिक आवृत बीजी पराग कोश में लघु बीजाणु धानियों की कितनी संख्या थी? टोटल चार थी। मालवेसी कुल में टोटल दो होती हैं, वैसे ये जरूरी नहीं है, इतना भी डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है, सफिशिएंट है। एक एक पराग कोश में कितने लघु बीजाणु धानियां हैं? टोटल चार है ना, चार किनारे थे ना, खत्म। नेक्स्ट, टैपिटम पाई जा रही है अंडाशय में थी, नर युग्म कोद में नहीं, मादा युग्म नहीं। अरे भैया पराग कोश की चार भित्तियां थी भाई, ये त्वचा, अंतस्थीसी, मध्यस्थर और टैपिटम। सीधा सीधा आंसर इज फर्स्ट। आखिरी भाई सब, एक चार लघु बीजाणु से एक लघु बीजाणु से एक पराग कण बनता है, तो चार लघु बीजाणु से चार पराग कण बनेंगे। सर आपने नहीं बताया, अरे दोस्त तेरे को लघु बीजाणु से पराग कण बनते हुए नहीं दिखाया? चार लघु बीजाणु से चार पराग कण बनेंगे, और चार लघु बीजाणु बनाने के लिए एक बार अर्धसूत्री विभाजन हुआ। सोच, एक अर्धसूत्री विभाजन हुआ था, एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका में पीएमसी में एमएमसी में याद कर क्या हुआ था, एक अर्धसूत्री विभाजन हुआ जिससे चार लघु बीजाणु बने थे। अब तेरे से 400 लघु बीजाणु पूछे हैं, तो दोस्त चार लघु बीजाणु के लिए एक अर्धसूत्री विभाजन, तो 400 लघु बीजाणु के लिए कितने? 100 अर्धसूत्री विभाजन, यार खत्म। एक अर्धसूत्री विभाजन से चार बन रहे, तो 100 विभाजन से कितने बनेंगे? 100 इंटू चार, 400 नहीं बनेंगे, खत्म। आंसर इज बी, बल्ले बल्ले, सिंपल सा था। ठीक है, ये था आज का लेक्चर, और कल किसी भी हालत में आपको मैं भी खुश दिखाऊं दूंगा और आपको आप भी खुश दिखाई देंगे। ठीक है, हमको आज माफ करिएगा दोस्त, थैंक यू सो मच,